हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? बच्चों सब ठीक है? सर हाँ, मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ बच्चे, मैं भी ठीक हूँ। आज ना मैं आपके पास आया हूँ एक बड़ा अच्छा सा टॉपिक डिस्कस करने के लिए, फंडामेंटल के अंदर में आपका बिल्कुल लास्ट टॉपिक, बिल्कुल लास्ट टॉपिक। आप देखो हम कितने कितनी दूरी तय कर चुके हैं। हमने आपका फंडामेंटल शुरू किया था प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, फिर हम आगे बढ़े थे, हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखे थे कैसा निकल के आएगा, फिर हमने देखा था जी आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकल के आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसा निकल के आएगा, फिर आगे बढ़े पास्ट एडजस्टमेंट भी हमने देखा, इनके बीच में छोटे छोटे टॉपिक्स भी देखा। आज देखो पता नहीं चला कैसे समय गुजर गया और बिल्कुल हम एंड में आ चुके बच्चे। आज हमें गारंटी करना है, आज हमारा जो टॉपिक आपका है, लिखे मेरे साथ, आज का टॉपिक आपका नाम है गारंटी ऑफ प्रॉफिट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। आज हमें इस टॉपिक को शुरू करना है बच्चों। सर ठीक है, हम तैयार हैं सर, आप तैयार हो? हाँ जी, हम भी तैयार हैं बच्चे, हम दोनों तैयार हैं, शुरू करते हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है, बच्चों को परेशान करता है लेकिन आपको परेशान नहीं करेगा, इस बात की गारंटी देता हूँ। जब ये टॉपिक पढ़ाऊंगा बीच में आपके दिमाग में इफ और कई सारे आएंगे, लेकिन आप चिंता नहीं करना, जैसे जैसे टॉपिक हमारा खत्म होगा आपके दिमाग के सारे इफ और खत्म हो जाएंगे, मतलब जितने भी संदेह दिमाग में उठेंगे आपके सारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। अब मैं शुरू करता हूँ, लिखिए मेरे साथ थोड़ा सा यहाँ पे, फिर मैं आपको सारी बातें एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा। लिखेंगे आप पॉइंट नंबर वन, लिखेंगे गारंटी, गारंटी ऑफ प्रॉफिट इज गिवन टू एनी पार्टनर ऑब्लिक पार्टनर्स फॉर गारंटी ऑफ प्रॉफिट इज गिवन टू एनी पार्टनर पार्टनर फॉर मिनिमम प्रॉफिट, फॉर मिनिमम प्रॉफिट इधर बाय फर्म और बाय पार्टनर ऑब्लिक पार्टनर्स। सर इसका क्या मतलब है? पूरे क्लास में बच्चे, मैं आपको मतलब भी तो समझाऊंगा, आप पहले लिख तो लो मेरे साथ। हमने कहा गारंटी, अच्छा सॉरी, गारंटी इज गिवन ऑफ प्रॉफिट हटा दीजिए, गारंटी इज गिवन टू एनी पार्टनर ऑब्लिक पार्टनर्स फॉर मिनिमम प्रॉफिट इधर बाय फर्म और बाय पार्टनर ऑब्लिक पार्टनर्स। सर क्या लिख दिया आपने, कुछ समझ में नहीं आया? क्यों, क्या दिक्कत है? लैंग्वेज तो समझ में आया, मीनिंग होना समझाने के लिए अभी तो शुरू किया बच्चे हमने आपको। आप लिख तो लो पहले यहाँ पे। सर लिख लिया हमने, लिख लिया तो फिर ठीक है। अब मैं इन सबको मैं एक एक क्वेश्चन से आपको समझाऊंगा, ज़्यादा बोलूं इससे अच्छा है कि क्यों ना हम क्वेश्चन के साथ ही आपको दिखाएं। लिखिए मेरे साथ यहाँ पे एक आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन, लिखेंगे आप मेरे साथ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन। आइए मैं आपके कॉन्सेप्ट को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करूँ बच्चे, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन आप लिखेंगे मेरे साथ यहाँ पे, और इसके अंदर में एक एग्जाम्पल रेडी करें आप। एग्जाम्पल नंबर वन कहता है, इस एग्जाम्पल में शॉर्ट में लिखिए मेरे साथ यहाँ पे, कहता है कि राम, या क्यों ना मैं प्रॉपर क्वेश्चन ही लिखा दू आपको, अच्छा लगेगा आपको। लिखिए यहां पे, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, लिखिए मेरे साथ, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, एबीसी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2:1 फुल स्टॉप, फर्म हैज गिवन गारंटी ऑफ
minimum profit, firm has given guarantee of minimum profit of rupees 1 lakh of rupees 1 lakh to C. कहता कि तीन पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट रेशियो कहता है कि 3:1 का है, लेकिन फर्म ने साथ ही साथ गारंटी दिया है जी कि सी का मिनिमम प्रॉफिट, कम से कम प्रॉफिट आपका 1 लाख होगा। यानी कि जब ये पार्टनरशिप फर्म बनी थी, या कह दो सी का जब इस पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन हुआ था, तो उस समय फर्म ने सी को कहा था कि आप हमारे साथ आओ, हमारे बिजनेस में पार्टनर बन जाओ, और हाँ इस बात की गारंटी है कि आप किसी भी एक साल में कम से कम आप 1 लाख रुपए कमाओगे। हमने ये गारंटी दिया बच्चे, किसने गारंटी दिया जी? फर्म ने गारंटी दिया है, फर्म ने। ठीक है, ठीक है बच्चे, लिख लो आप इसको आपका। फिर कहता है कि आपका, मान लो कहता है कि नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट अर्नड अर्नड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर बाय फर्म, बाय फर्म, वो कहता है कि मान लो यहाँ पे कितना लिखो बताओ, रुपीज, मान लो कहता है यहाँ पे आपका कितना लिखो, कितना लिखो, सपोज दैट कहता है कि आपका 9 लाख का अमाउंट है। चलो हमने 9 लाख रुपए का यहाँ पे गारंटी दिया, 9 लाख का प्रॉफिट आपका। कहता है कि एबीसी और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन रेशियो 3:1, फर्म हैज गिवन गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 1 लाख टू सी। कहता कि नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर बाय द फर्म आपका 9 लाख रुपए है। बोलता है कि प्रिपेयर, बोलता है प्रिपेयर, आपने बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आप बना रहे बच्चे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है ना सर? हाँ, आप फिर मैं शुरू करता हूं, लो मेरे साथ लिखेंगे आप इसका सोल्यूशन, आप सोल्यूशन लिखेंगे जी, और मेरे साथ बनाइए आप यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो मैंने ऊपर में जो सेंटेंस लिखा है मैंने उसको मिटाया नहीं बच्चे, क्योंकि आज पूरी क्लास उसी सेंटेंस के ऊपर चलेगी। उस सेंटेंस का क्या मतलब होता है वो सारी बातें मैं आपको समझाऊंगा, पहले आप एक काम करें मेरे साथ यहाँ पे शुरू करें बनाना प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो ना, क्वेश्चन के मुताबिक कहता है कि बाय नेट प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट फर्म ने कमाया है वो कहता है कि 9 लाख का अमाउंट है, लिखा हमने यहाँ पे 9 लाख का अमाउंट यहाँ पे फर्म ने कमाया है। बात समझ में आ रही है सर? हाँ जी। अब देखो प्रॉफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, पार्टनरशिप डीड में सिर्फ प्रॉफिट तो देने की बात कर रहा है, और कोई रेशियो तो यहाँ पे है नहीं। तो आपने कहा कि जो भी प्रॉफिट है टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, नेट प्रॉफिट आपका ट्रांसफर टू, हमें क्या करना है कि आपने इसको ट्रांसफर करना है जी। जरा बताओ किसको ट्रांसफर करूंगा? सर पार्टनर्स को, तीन पार्टनर्स हैं, ए का प्रॉफिट ए के कैपिटल में चला जाएगा, बी का प्रॉफिट एक्सक्यूज मी, माफ कीजिए, बी का प्रॉफिट बी के कैपिटल में चला जाएगा बच्चे, और सी का जो प्रॉफिट है वो सी के कैपिटल में चला जाएगा। बात समझ में आ रही है सर? इसमें क्या समझना है, ये तो पूरे हमने चैप्टर गुजार दिया इसी को समझने में। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन देखो अब मैं क्या समझाना चाहता हूँ, क्या समझाना चाहता हूँ आप जरा समझो मेरी बात, यहाँ पे मैं आपको पूरी बात समझाऊं। मुझे बताओ फर्म ने प्रॉफिट कितना कमाया है? सर 9 लाख। आप बताओ 9 लाख रुपए में हमने कहा था कि सी का प्रॉफिट मिनिमम कम से कम 1 लाख रुपए होगा, ऐसा फर्म ने गारंटी दिया है सी को जी, दिया ना बच्चे? सर हाँ, क्वेश्चन में लिखा तो है कि गारंटी दिया गया। तो आपको पहले वर्किंग नोट्स में यहां पे चेक करना पड़ेगा कि अगर ऐसी बात है तो सीज शेयर, सी का जो शेयर है इन प्रॉफिट, इन प्रॉफिट वो कितना बनता है, क्या वो 1 लाख कम से कम बनता है कि नहीं बनता है। तो देखो ना, 9 लाख रुपए का प्रॉफिट है, आप बताओ सी का शेयर कितना था? सर सी का शेयर था ये देखो 1/6 बच्चे आपका, तो 9 लाख का 1/6 कितना निकल गया बच्चों? 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए आपका, 1.5 लाख। यानी कि अगर 9 लाख रुपए का प्रॉफिट एबीसी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो सी के हिस्से में 1.5 लाख रुपए निकल के आएगा, ठीक बोल रहा हूँ ना? हाँ। अच्छा जरा क्वेश्चन पढ़ के बताओ कि गारंटी मिनिमम कितने की थी? सर गारंटी मिनिमम 1 लाख रुपए की थी। आप बताओ हमने कहा था कि कम से कम आपको 1 लाख मिलेगा, कम से कम 1 लाख मिलेगा, जरा बताओ सी को 1 लाख रुपए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सर 1 लाख से ज्यादा मिल रहा है, तब कोई बात नहीं, तब कोई गारंटी का मतलब नहीं होता बच्चे, तब तो ठीक है सी को हम 1.5 लाख रुपए दे देंगे। यानी कि आप क्या करो, 9 लाख का जो अमाउंट है आप एबीसी में डिस्ट्रीब्यूट कर दो,
यानी कि सी को कितना मिल गया आपको यहाँ पे, 1.5 लाख रुपए का अमाउंट आपका है, 1.5 लाख का अमाउंट। आप चेक करते हैं अब ए और बी का कितना हो जाएगा, तो यहां लिखो चाहे यहां लिख दो, क्या जाता है एज शेयर जो निकल के आएगा बच्चे, इन प्रॉफिट आपका, इन प्रॉफिट वो कितना हो गया आपका सर, 9 लाख रुपए का प्रॉफिट है। 9 लाख रुपए में ए का शेयर कितना है, 3/6, ये देखो आप 3/6 आपका। तो आपने क्या किया, 3/6 इनको दे दिया, यानी कि ये अमाउंट आ गया 4.5 लाख रुपए। और उसी तरीके से जो बी का शेयर होगा, बी शेयर है ना बच्चे अभी जगह, हाँ जी सर, बीज शेयर जो निकल के आ रहा है इन प्रॉफिट, वो कितना निकल के आ रहा है, तो सर वो 9 लाख का प्रॉफिट है। बी का जो शेयर है वो कहता है कि 2/6 आपका है, तो कितना आपका हो गया जी सर, 3 लाख रुपए का अमाउंट आपका, 3 लाख ही तो हुआ, तो ये काम खत्म हो गए। नॉर्मल क्वेश्चन है, ए को आपने 4.5 लाख रुपए का अमाउंट दे दिया, बी को आपने 3 लाख रुपए का अमाउंट दे दिया, और आपने सी का 1.5 लाख अमाउंट दे दिया, क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। बात समझ में आ रही है सर? हाँ, बट इसमें समझना क्या था सर, आप तो हमने, आपने तो हमें बेवकूफ बना दिया, ये तो हमने पहली क्लास में भी इससे टफ क्वेश्चन किया था। ये 9 लाख का प्रॉफिट है, आपने क्या किया एबीसी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया रेशियो में, ये कौन सी बड़ी बात है? ठीक बोला बच्चे, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको पढ़ाना शुरू करता हूँ। आओ मैं गारंटी का मतलब समझाता हूँ, पहले आप इसकी कॉपी कर लो, ये हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन में एग्जाम्पल नंबर 1 हुआ, और आपने इसको कॉपी करना है, कॉपी करना बच्चे। कर लिया आपने सर? हाँ सर, हमने कॉपी कर लिया, आप आगे बढ़ो। तो लो फिर मैं इसको मिटाता हूँ बच्चे, मैं आगे चलता हूँ, मैं पहले यहाँ पे एग्जाम्पल को मिटाऊंगा, और एग्जाम्पल में छोटा सा चेंज करूंगा, वो क्या, ये हो गया पहले, लिखो मेरा यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2। अब आप एग्जाम्पल नंबर 2 बना रहे, एबीसी आर पार्टनर्स आपका, या चलो आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, इसको एग्जाम्पल नंबर 1 था वही रहने दो। मैं यहाँ यानी कि इस सॉल्यूशन के बाद लिखता हूँ एग्जाम्पल नंबर 2, ये लिखा हमने एग्जाम्पल नंबर 2, और एग्जाम्पल नंबर 2 में कहा कि एज्यूम, मान लो एज्यूम इन एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 कि नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट अर्नड बाय फर्म, अर्नड बाय फर्म, फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया है वो, इस पर हमने 9 लाख माना था ना बच्चे, अब लो 9 लाख के जगह पे मैं यहां कर देता हूं सपोज दैट आपका कितना करो जरा बताओ, सर आप बताओ कितना करना चाहते हो। लो मैंने 4.5 लाख रुपए कर दिया, 4.5 लाख रुपए, कहता कि एज्यूम इन एग्जाम्पल नंबर 1 नेट प्रॉफिट जो आपका है जी, फर्म ने अर्न किया 4.5 लाख रुपए, और कहता जरा बताओ क्वेश्चन क्या सोल्व करोगे। ठीक है मैं इसको मिटाता हूँ बच्चे, अब तो ये हो गया सर, हाँ ये हो गया सर, तो लो मैंने इसको मिटा दिया, और मैं क्या करता हूँ यहीं पे एग्जाम्पल नंबर 2 रेडी करता हूँ आपके लिए, मतलब 2 का सोल्यूशन, ये क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन था। अब एक काम करेंगे, आप क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 2, और एग्जाम्पल नंबर 2 का आप यहाँ पे मेरे साथ रेडी करेंगे सोल्यूशन। ये रहा आपका प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर हमें समझ में नहीं आ रहा आप करना क्या चाहते हो, कुछ नहीं बचे, बस स्टेप बाय स्टेप मैं कुछ आपको समझाना चाहता हूँ, आप इसको समझ लो, फिर हम आपके बुक्स में आ जाएंगे, आपके क्वेश्चन की तैयारी करेंगे, और फिर लगेगा यार हमें तो सब कुछ फिर आने लगा है। अब ये देखो, लो मैंने चेंज कर दिया, इस बार कहता है कि आपका जो नेट प्रॉफिट है, इस बार कहता है कि जो आपका नेट प्रॉफिट है वो प्रॉफिट आपका 4.5 लाख का अमाउंट है, तो प्रॉफिट हमने क्या किया जी यहां लिख दिया 4.5 लाख का अमाउंट। बात समझ में आ रही है सर? हाँ जी, देखो नेट प्रॉफिट क्या हुआ जी, यहां पे 4.5 लाख रुपए का अमाउंट निकल के आपका आ गया 4.5 लाख का अमाउंट। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे बोलूंगा आपका प्रॉफिट हमें देना है जी, तो टू नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, हम प्रॉफिट किसको देंगे, तो सर एज कैपिटल अकाउंट में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, थोड़ा गैप छोड़ गई जैसे हमने छोड़ा था, यहाँ बीज कैपिटल अकाउंट आप ये दीजिए, और फिर आपने क्या बोला यहाँ पे सीज कैपिटल अकाउंट आपने यहाँ दिया सीज कैपिटल अकाउंट, ये 3 हमारे पास क्या हो गया जी आपको यहाँ पर निकल के आ गया, और ये काम पूरा। चलो 4.5 लाख का अमाउंट है बच्चे, हमें ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन ध्यान रखना सी का मिनिमम कितना होना चाहिए सर, 1 लाख रुपये, ऐसी गारंटी हमने दी थी। चलो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 4.5 लाख का प्रॉफिट तीनों में डिवाइड करता हूँ, ठीक है ना सर? हाँ डिवाइड करो ना, रेशियो क्या बता रहा, 3:1 आपका। तो आओ जरा देखते हैं कि 4.5 लाख रुपए जब डिवाइड किया तो कितना निकल के आ रहा है, यहाँ देखेंगे मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लूँ, मुझे जगह थोड़ा चाहिए बच्चे, थोड़ा जगह चाहिए ताकि कैलकुलेशन साफ साफ दिखाऊँ मैं आपको यहाँ पे। आज तो मेरे पास एक चैलेंज है, ये टिपिकल कॉन्सेप्ट मैं कितने सिंपल तरीके से आपको समझा देता हूँ वो मेरा चैलेंज है बच्चे, तो लो मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ।
ये 4.5 लाख रुपए का जो अमाउंट आपका है ए का, ये 4.5 लाख 3:1 में डिवाइड करना है जी, तो इसका 3:1 यानी कि 3/6 जरा बताओ कितना निकल के आ गया सर। 4.5 लाख का जब 3/6 करोगे तो 225 निकल के आया। मैं इसको अंदर ही लिखता हूँ बच्चे। सर अंदर क्यों? चलो ना बताऊंगा ना आपको। मान लो अभी आपका हमने अंदर लिख दिया, आप भी लिख दो क्या जाता है। फिर जरा बताओ बी का कितना आएगा। सर 4.5 लाख का जो अमाउंट है अगर मैं उसको डिवाइड करूं तो दिस इज 2/6 बी का रेशियो, तो जरा बताओ कितना आ जाएगा जी। सर वो 1.5 लाख रुपये आ जाएगा। ठीक बोला आपने, ये लो हमने 1.5 लाख रुपये का अमाउंट लिख दिया यहाँ पे। अब जरा सी का देखते हैं जी, तो 4.5 लाख रुपये का अमाउंट है, 4.5 लाख का अमाउंट, और 4.5 लाख रुपये में इनका शेयर कितना है सर 1/6 आपका। तो जरा बताओ 4.5 लाख रुपये का 1/6 कितना निकल के आता है। सर ये आ गया 75,000 का अमाउंट आपका, 75,000 का अमाउंट कर दिया डिवीजन हमने। आपने जो बोला वही काम किया जो पहले से आप करते आ रहे हो कि सर जितना प्रॉफिट है वो प्रॉफिट क्या करो तीनों में डिवाइड कर दो। रेशियो क्या 3:1, हमने 3:1 में डिवाइड कर दिया। कोई पाप तो नहीं किया मैंने? नहीं सर, आपने बिल्कुल सही काम किया। लेकिन मेरे बच्चे क्वेश्चन में एक बात बोला था, शायद आपने ध्यान नहीं दिया। वो बात ये कह रहा है कि सी का मिनिमम शेयर जो होगा प्रॉफिट का वो कितना आपका होगा जी, 1 लाख रुपए। यानी कि एनी हाउ किसी भी साल में जब प्रॉफिट डिवाइड किया जाएगा तो सी को कम से कम 1 लाख रुपए देना ही देना है। ये गारंटी किसने दिया है? ये गारंटी फर्म ने दिया है। फर्म का मतलब क्या? सबने मिलकर दिया है ना बच्चे, मतलब पार्टनर्स ने दिया है। अब मैं क्या करूं जी, यहां तो 75 ही निकल के आ पाया, 75, और गारंटी आपका यहाँ पे कितने का था? सर गारंटी तो यहाँ पे आपका 1 लाख का था। अब मैं क्या करूं? तो कुछ नहीं, जरा बताओ सी में कमी कितने की आ रही है। सर सी को 1 लाख मिलना था, 75 मिला है, तो 25,000 की कमी आ रही है। तो मेरे बच्चे सी को 25,000 रुपये देने ही पड़ेंगे क्योंकि गारंटी है कि 1 लाख रुपये आपका होगा। सर ठीक है, मतलब क्या कहना चाहते हो? मैं लिखता हूँ नीचे में, लिखिए मेरे साथ वर्किंग नोट्स नंबर 1 आपका लिखेंगे यहाँ पे आपका। सिंस मिनिमम गारंटी, लिखिए यहां पे मिनिमम गारंटी, मिनिमम गारंटी गिवेन टू सी बाय द फर्म इज रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपए की कहता है कि मिनिमम गारंटी है। फिगर कट तो नहीं रहा? नहीं सर, कहता है कि आपका 1 लाख रुपए, मैं थोड़ा और इधर लेते हूँ, थोड़ा सा कट रहा आपका, रुपीज 1 लाख आपका, 1 लाख रुपए जिसकी मिनिमम गारंटी आपका है। सिंस मिनिमम गारंटी गिवन टू सी आपका 1 लाख है, बट जो कैलकुलेटेड प्रॉफिट है, कैलकुलेटेड शेयर ऑफ सी इन टोटल प्रॉफिट जो आपका निकल के आया वो कितना निकल के आया जी? सर वो आया रुपीज 75,000 रुपये। मेरे बच्चे सी का जो प्रॉफिट निकाला वो 75 है, मिनिमम आपने क्या बोला था 1 लाख दिया जाएगा। तो कहते हैं कि हेंस, इसीलिए हेंस शॉर्ट इन, या लिखो सिंपली आपका हेंस रुपीज 25,000। ये 25 कैसे निकल के आपका आया? 1 लाख जो मिनिमम गारंटी थी आपका, मैंने 75,000 यानी कि 25,000 रुपये जो निकल के आया, हेंस रुपीज 25,000 विल बी हेंस रुपीज 25,000 विल बी गिवन टू सी बाय द फर्म यानी कि जो कमी आ रही है वो पैसा क्या होगा जी? फर्म देगी। अब जरा बताओ यहाँ पे फर्म में है कौन? आप बताओ फॉर्म में कौन है? तीन पार्टनर थे बच्चे, ए बी एंड सी। जरा बताओ ए बी सी में गारंटी किसको मिला है? सी को। तो अब सी को हटा दो, यानी कि जरा बताओ अब ये जो 25,000 की कमी आ रही है वो कौन देगा? तो सर फर्म में दो ही पार्टनर तो बचे हैं, एक बच गया ए और एक बच गया बी, यानी कि गारंटी के फॉर्म का मतलब हो गया कि ए एंड बी बचे। ये जो 25,000 की कमी आ रही है वो सी को कौन देगा? फर्म देगा। फॉर्म का मतलब क्या हो गया? ए एंड बी। लेकिन सवाल ये उठता है कि किस रेशियो में? सवाल ये उठता है कि जो 25,000 रुपये सी को मिलेगा, जो फॉर्म देगी, फॉर्म यानी कि ए और बी देंगे, वो किस रेशियो में? तो कहते हैं कि इन देयर
इन देयर एग्जिस्टिंग प्रॉफिट रेशियो। आप मेरी बात समझो, आज तो मैं आपको सारी बातें समझा के रहूंगा। कहता कि सिंस मिनिमम गारंटी फी को आपने 1 लाख का दिया था, लेकिन जो प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया फी का, वो 75 निकल के आया, तो 25,000 रुपए की जो कमी आ रही है बच्चे, इस कमी को यहाँ पे कौन कंपनसेट करेगा? फर्म करेगी। फर्म का मतलब क्या है? तो तीन पार्टनर फर्म में थे, ए बी एंड सी। सी को तो गारंटी दिया गया है, तो पार्टनर कौन बच गया? ए एंड बी आपका। तो ए एंड बी क्या करेंगे जी? आपका कंपनसेट करेंगे, लेकिन किस रेशियो में? उनका जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट रेशियो होगा उसी रेशियो में। आप मुझे बताओ ना, उनका एग्जिस्टिंग प्रॉफिट रेशियो क्या है? तो सर, ए बी एंड सी तीनों के बीच का जो रेशियो था वो 3:2:1 का था। 3:2:1 देख रहे हैं आप ना सर? हाँ। तो इसमें सी को आप हटा दो बच्चे, क्योंकि सी को तो गारंटी ही मिला है, सी को तो गारंटी मिला है। तो जरा बताओ, ए एंड बी में प्रॉफिट रेशियो क्या एग्जिस्ट कर रहा है? सर 3:2। देख रहे हैं आप यहां पे, इनके बीच का रेशियो क्या एग्जिस्ट कर रहा है? 3:2। तो यहां पे एग्जिस्टिंग रेशियो जो हो गया बच्चे, वो आपका हो गया 3:2 आपका। बात खत्म हो गई बच्चे। यहां पे क्या होगा जी? ये 3:2 में क्या होगा? ए और बी यहां पे कंपनसेट करेंगे। तो आप जरा चेक करते हैं यहां पे, देयरफॉर इसलिए कहता है कि अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू सी कितना होगा? कहता है जरा बताओ, ए सी को कितना देगा? तो देखो, सी को टोटल और कितना मिलना था? 25। अगर 25,000 का हम डिवीजन ए और बी में करते हैं, तो ए का कितना शेयर था जी? सर 3/5। ए कितना देगा? 3/5 देगा बच्चे, यानी कि 25,000 का 3/5 जो होगा वो आपका ए देगा। तो मुझे बताओ जरा कितना निकल के आ गया? सर ये अमाउंट बन गया आपका 15,000 रुपए का अमाउंट, आपका 15,000 रुपए का अमाउंट। बात समझ में आ रही है बच्चे? मैं कहां कुछ बड़ी बातें कर रहा हूं, आप बताओ कहां कुछ बड़ी बातें कर रहा हूं। मान लो सी आप हो और आपके साथ दो पार्टनर और है, उन्होंने क्या किया? आपको कहा था कि 1 लाख आपको मिलेगा। जब हमने प्रॉफिट को डिवाइड किया तो 75 ही आपको मिल रहा है। तो चलो बताओ, आप चिल्लाओगे कि नहीं चिल्लाओगे कि मुझे तो 1 लाख मिलना चाहिए? सर चिल्लाएंगे, गारंटी हमारे साथ है, एग्रीमेंट हमारे साथ है। तो ठीक है, वही चिल्लाने के चलते 25,000 और आपको दिया जाएगा। कौन देगा? फर्म देगी। फर्म का मतलब क्या है? बाकी दो पार्टनर किस रेशियो में देंगे? तो जो इनके बीच का रेशियो एग्जिस्ट कर रहा है उसी रेशियो में देंगे आपको, 3:2। क्योंकि 3:2 है इसलिए 3/5 करेंगे बच्चे, 3/5। अगर तीनों में करना होता तो 3/6 होता। ये देखो आप, 3/6 तब होता जब 3/3 पार्टनर होते, तब 6 निकल के आ रहा है। क्योंकि ए और बी बियर करें तो 3+2 मिलकर कितना हो गया? 5 हो गया। इसलिए क्या करना, 3/5 यहाँ पे ए देगा आपका। और लिखेंगे आप यहाँ पे, जगह है यहाँ पे सर? हाँ जगह है, लिख सकते हैं आप। तो कहता है कि जो अमाउंट आपका ट्रांसफर्ड फ्रॉम, या कह दो बाय आपका बी टू सी, जो बी सी को देगा वो कितना देगा जी? सर 25,000 का यहाँ पे कितना था जी? सर 2/5 आपका, 2/5 यहाँ दिया जाएगा बच्चे, 2/5 कट रहा है। मैं बार बार देख के रहा हूँ बच्चे, कहीं कट ना जाए, कटना थोड़ा थोड़ा, इसलिए मैं इसको सही कर रहा हूँ आपका। अब तो नहीं कट रहा? नहीं सर। तो चलो बताओ, 25 का 2/5 कितना हो गया? सर ये अमाउंट आ गया आपका 10,000 का अमाउंट, आपका 10,000 रुपये का अमाउंट निकल गया। अच्छा अच्छा सर, ठीक बोल रहे हो आप, तब तो काम खत्म हो गया, अब तो इसी की एंट्री दिखानी है। मैंने क्या करूंगा जी? ये देखो, ए ने अपने अकाउंट से निकालकर सी को कितना दिया? 15,000 रुपए। तो ए का जो अमाउंट मिला था, आप उसमें कह देना इसमें से लेस कर दो। लेस मतलब कि दे दो किसको जी? टू सीज कैपिटल अकाउंट। आप क्या करो, ए का जो हिस्सा 2,25,000 रुपए मिला था, उनमें से सी का आप एक काम करो, 15,000 रुपए क्या करो जी, निकाल कर आप उनको दे दो। तो जरा बताओ, 15,000 निकाल कर दे दिया तो कितना बच गया बच्चों? सर ये तो 2,10,000 बच गया। ठीक बोला आपने, 2/25 ए को फर्म ने दिया था, लेकिन गारंटी के चलते क्या हुआ कि आपके अकाउंट से हमने 15,000 रुपए निकाल कर और क्या क्या जी, इनमें ट्रांसफर कर दिया। उसी तरीके से बी से भी आपको निकालना पड़ेगा। मैंने कहा था गैप छोड़ने के लिए बीच में, आप चिल्लाना नहीं, क्योंकि मैंने पहले कह दिया था बच्चे, झगड़ा नहीं करना मेरे साथ। आप बोलना इसमें से भी सीज कैपिटल में आप क्या करेंगे,
यहां पे ट्रांसफर किया आपने, कितना अमाउंट ट्रांसफर किया सर? 10,000 का अमाउंट आपका, 10,000। और आपने सी में क्या करना, ऐड कर देना है। तो ऐड कर दो कि देखो जी एज कैपिटल अकाउंट से, एज कैपिटल अकाउंट से हमें 15,000 रुपये मिले, 15,000 रुपये। और बी के कैपिटल अकाउंट से जो हमें ट्रांसफर किया गया अमाउंट आपका है वो 10,000 का अमाउंट आपका है। तो यहाँ पे हमारा अमाउंट कितना हो गया, 1,00,000। लो, मन को शांति मिली, मन को शांति मिली कि हमने जो कमिटमेंट किया था वो हमारा पूरा हुआ, 1,00,000 मिल गया। और जरा बताओ बी का बाहर कितना चला गया जी? सर 1,40,000 का अमाउंट, 1,40,000 का अमाउंट। बात खत्म हो गई, कहानी खत्म हो गई बच्चे। आप देखो फाइनली ए को कितना मिल गया, 2,10,000 रुपये। आप देखो बी को कितना मिल गया, 1,40,000। सी को कितना मिल गया, 1,00,000 रुपये का अमाउंट। काम खत्म। यही तो होता है गारंटी। आओ जरा एक बार पढ़ू मैं ऊपर में क्या लिखा था, गारंटी इज गिवन टू एनी पार्टनर और पार्टनर्स, पार्टनर सभी नहीं आया, एनी पार्टनर, किसी एक पार्टनर को। मुझे बताओ इस एग्जाम्पल में गारंटी किसको दिया गया था? सर सी को। फॉर मिनिमम प्रॉफिट, मिनिमम, कम से कम आपको इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, मिनिमम की बात किया था। तो देखो हमने 1,00,000 का आपको दिया, ये गारंटी कौन देगा? चाहे वो गारंटी फर्म देगी, फर्म, चाहे वो पार्टनर देंगे। देखो पार्टनर के द्वारा दिए हुए गारंटी का मतलब अभी हमें नहीं पता, गारंटी फर्म ने दिया उसका हमने क्या किया, दिखा दीजिए फर्म का मतलब क्या, बाकी दोनों पार्टनर्स और किस रेशियो में देंगे, तो जो उनका प्रॉफिट रेशियो एग्जिस्ट कर रहा था उस रेशियो में गारंटी आपका देंगे। आई बात समझ में? सर हाँ सर हाँ, हमें समझ में आ गई। तो आप इसकी कॉपी कर लो, मैं अब इसको मिटाऊंगा, मैं यहाँ मिटाऊंगा, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन नाम छोड़ देता हूँ। हमने दो एग्जाम्पल कर लिए, मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उसके पहले आप इसकी कॉपी तो कर लो, आप जरा एक बार कॉपी तो कर लो। आज पता नहीं क्यों मन कर रहा है मैं आपको आज इतना स्ट्रॉन्ग कर दूं कि बस आप ही रहो और कोई नहीं। ठीक है, लिख लो आप। सर एक बार सोच ले, सोच लो ना, सोच लो, कौन रोकता है? 4,50,000 का प्रॉफिट था, जब फर्म ने प्रॉफिट ए बी सी में डिवाइड किया तो 2,25,150,75,000 आए, क्योंकि सी को गारंटी 1,00,000 रुपए की थी, यहाँ पे 25,000 रुपए कमी हो रहा था, वो कमी फर्म देगी। फर्म का मतलब होता है बाकी पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर्स। तो बाकी पार्टनर्स कौन बच गया था? ए और बी बच गया था। किस रेशियो में देंगे जी? फर्म का मतलब क्या? तो बोला कि जो भैया प्रॉफिट रेशियो एग्जिस्ट कर रहा था उसी रेशियो में देंगे, क्योंकि अब दो पार्टनर है, रेशियो इनका 3:2:1 का था, बट गारंटी सी को मिला तो सी को हटा दो, तो बताओ ए और बी का रेशियो क्या रह गया? 3:2, वही 3:2 में हमने काम किया। आई बात समझ में? सर हाँ सर हाँ। आप सर इसको मिटा दो, अब मिटा दो। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ मिटाता हूँ, या फिर मैं इसको भी मिटा दो, सर सब मिटा दो। ठीक है बच्चे, आपने कहा सब मिटा दो, मैं मिटाने ही वाला था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन कह रहा कुछ और आपको समझा दो। सर आ गया ना समझ में? अब क्यों समझाओगे सर, क्यों समझाओगे? आ गया समझ में? नहीं बच्चे, फिर भी समझाऊंगा। और आपके सामने जो चीज रख रहा हूं जरा बताना कौन सा तरीका आपको अच्छा लगा, बस इतनी बात करूंगा, इतनी बात। लो मैंने काम किया, जो सॉल्यूशन आपने किया क्वेश्चन नंबर 2 का, ये कह दिया जी ये मेथड 1 है बच्चे, ये मेथड 1 है आपका, यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। मैं दोनों तरीका आपके सामने रख देता हूं, आपको जो अच्छा लगे वो काम कर लेना, कोई मनाही नहीं है, ये भी ठीक है वो भी ठीक है, आपको जो अच्छा लगे वो काम कर लेना, मैं किसी को मना नहीं करता ना आपकी बुक मना करती है। तो सर छोड़ो ना सर, ये समझ में आ गया, दूसरा फिर क्यों समझाते हो? समझना होगा बच्चे, आपको समझना होगा कि दोनों में क्या फर्क निकल के आता, तभी तो आपको स्ट्रांग बनाऊंगा। अच्छा ठीक है सर, फिर बता दो, हम समझने को तैयार है। मैं काम करता हूं, जो सोल्यूशन किया था आपने क्वेश्चन नंबर 2 का, मैं इसका एक और मेथड दिखाता हूं, एक और तरीका, जो अच्छा लगे वो काम कर लेना आप, ठीक है ना? सर बताओ क्या? ये लो मेथड 2, मेथड 2 आपका दूसरा तरीका। मैं यहां बनाता हूं आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मैं आपके लिए बनाता हूं जी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये लो लिखा हमने यहां पे आपके लिए, मैंने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये लिखा मैंने जी आपके लिए प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जगह थोड़ा सा मैं यहां ले लेता हूं ताकि आपको दिक्कत ना है। मुझे बताओ जरा कि नेट प्रॉफिट कितना है, आप बताओ प्रॉफिट कितना है? सर 4,50,000 का अमाउंट है, लिख दिया हमने यहां पे जी 4,50,000 का अमाउंट। प्रॉफिट कहता है कि 4,50,000 का अमाउंट है, कोई टेंशन की तो बात नहीं है? नहीं सर, हमें क्या टेंशन है,
जो फर्म ने कमाया वो प्रॉफिट बताएगा, हम उसको यहां पर लिख देंगे आपका, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये जो प्रॉफिट फर्म ने कमाया 4.5 लाख रुपए, इस प्रॉफिट को हमें पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करना है। तो मैं एक काम करता हूं, लिखता हूं यहां पे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ये लो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू किसको जी, एक तो ए को यानी कि एज कैपिटल अकाउंट, एक बी को यानी कि बीज कैपिटल अकाउंट, मैं गैप छोड़ रहा हूं ताकि क्लियरिटी आएगी, और सीज कैपिटल अकाउंट यानी कि सी का जो प्रॉफिट है उसको यहां ट्रांसफर करूंगा। आई बात समझ में सर? हाँ। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, मुझे लगता है कि आपको बड़ा आसानी समझ में आ जाएगा। मैं इसका वर्किंग नीचे रेडी करता हूं बच्चे, मेरे पास जगह यहां पर नहीं है ज्यादा, इसलिए मैं यहां लिख देता हूं, कोई बड़ी बात थोड़े है, कहीं भी लिखो, वर्किंग तो उसी का निकल के आ रहा है। एक काम करो, जरा चेक करो कि सी का शेयर कितना बनता है, सी का शेयर 4.5 लाख में। तो ये देखो आप वर्किंग नोट्स लिख रहे हैं आपका, सीज शेयर, सी का जो शेयर है कहता है कि इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में वो जरा चेक करता हूं जी कितना निकल के आएगा। तो सर 4.5 लाख रुपए का अमाउंट है, और जरा बताओ कितना शेयर था जी सी का, सर सी का शेयर था 1/6 आपका, ठीक है। तो कितना निकल के आ गया, 75,000। सर आपने निकाला तो था, हाँ बच्चे, लेकिन भूल जाओ कि हमने ये सॉल्यूशन किया था, भूल जाओ, मैं आपको दूसरे तरीके से सॉल्यूशन दिखा रहा हूं। आप देखो सी का जो आपने शेयर चेक किया वो कितना निकल के आ गया, 75,000। लेकिन जरा बताओ उनको मिनिमम गारंटी कितने की है, सर 1 लाख रुपए, 1 लाख की। तो आपने क्या कहा कि सी शेयर इन प्रॉफिट आपका 75,000 रुपए है, लेकिन लिखा आपने सिंस मिनिमम गारंटी इज गिवेन फॉर ₹1 लाख, 1 लाख रुपए का आपने मिनिमम गारंटी दिया था। सी का शेयर प्रॉफिट में 75 निकल के आया, लेकिन आपने जो मिनिमम गारंटी दिया था वो 1 लाख रुपए का अमाउंट था आपका जी, 1 लाख रुपए का। तो एक काम करो, पहले बताओ गारंटी किसने दिया है, गारंटी किसने दिया है? सर गारंटी तो फर्म ने दिया है, फर्म ने गारंटी दिया बच्चे, फर्म। तो अगर गारंटी फर्म देती है ना, तो एक काम करो कौन इतने चक्कर में पड़ेगा, आप सिंपली क्या करना कि भैया गारंटी फर्म ने दिया है, मिनिमम गारंटी इज गिवन फॉर ₹1 लाख बाय द फर्म, ध्यान रखना फर्म ने गारंटी दिया है। तो अगर फर्म ने गारंटी दिया है ना, तो मैं क्या करूंगा, फर्म के द्वारा ही सी को मैं 1 लाख रुपए दे दूंगा, खत्म हो गई बात, नहीं करना मैं कुछ। फर्म का मतलब क्या जी, हम सबने मिलकर बोला था कि हम आपको 1 लाख रुपए देंगे। तो उस केस में क्या होगा, अगर प्रॉफिट में शेयर सी का 75 मतलब अगर 1 लाख से कम निकलता है, तो बिना सोचे समझे क्या करो, आप सी को क्या करो, 1 लाख रुपए दे दो। बात समझ में आ रही है सर? हाँ, हमने 1 लाख दे दिया। अब जरा बताओ 3.5 लाख में 1 लाख देने के बाद कितना बच गया आपका? सर 3.5 लाख में अगर 1 लाख दे दिया तो फिर आपका यहाँ पे कितना बच गया, सॉरी 4.5 में एक दिन के बाद 3.5 बच गया। तो वो 3.5 लाख क्या होगा जी, ए और बी आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। लिखिए यहां पे, उन्हीं बात को बता रहा हूं आपका, एंड सॉरी यहां पे लिखा सिंस मिनिमम अमाउंट गिवन टू इज गिवन फॉर मिनिमम गारंटी इज गिवन फॉर ₹1 लाख बाय द फर्म, हेंस लिखिए यहां पे पूरी बात, हेंस ₹1 लाख विल बी गिवन टू किसको जी, सी बाय द फर्म। फर्म को क्या होगा, फर्म ने क्या करना है, सी को 1 लाख रुपए दे देगी, हमने 1 लाख रुपए दे दिया। अब 1 लाख देने के बाद कहते हैं कि रिमेनिंग प्रॉफिट जो बच जाएगा, रिमेनिंग प्रॉफिट आपका जरा बताओ रिमेनिंग कितना बच गया। तो सर 4.5 लाख रुपए में से अगर हमने 1 लाख रुपए सी को दे दिया, 1 लाख, तो रिमेनिंग कितना बच गया, 3.5 लाख रुपए। ये 3.5 लाख विल बी टेकन बाय रिमेनिंग पार्टनर्स। जरा बताओ रिमेनिंग पार्टनर्स यहां पे कौन है? सर रिमेनिंग पार्टनर से ए एंड बी आपका, ए एंड बी है ना बच्चे? सर हाँ।
तो ठीक है, कहना कि 4.5 लाख में 1 लाख रुपए तो आप दे दो सी को, और जो बाकी 3.5 लाख बच जाएगा वो रिमेनिंग पार्टनर्स यानी कि ए एंड बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दो इन 3:2। ध्यान से 3:2 बचे, क्योंकि 3:2:1 में शेयर सी का 1 था, हम सी को तो दे चुके 1 लाख रुपए। अब जो प्रॉफिट बच जाएगा सिर्फ वो ए और बी का है, और ए एंड बी क्या करेंगे अपने बीच में 3:2 में डिवाइड कर लेंगे आपका। तो जरा बताओ उस केस में 4.5 लाख में 1 लाख देने के बाद जो 3.5 लाख रुपए बच गया, ये 3.5 लाख रुपए का एक शेयर कितना बनेगा? सर 3/5। अच्छा, और जरा बताओ इस 3.5 लाख रुपए का आपका बी का शेयर कितना बनेगा? सर 2/5 आपका। तो आओ जरा चेक करते हैं कि अमाउंट कितना निकल के आता है। देखो ना, 3.5 लाख रुपए का अमाउंट है, अगर मैं 3/5 यहाँ पे करता हूँ तो इनका निकल के आ गया 2,10,000 रुपये आपका, 2,10,000। और जरा देखो बी का कितना बनता है जी, तो 3.5 लाख अमाउंट इंटू 2/5 आपका ये निकल के आ गया 1,40,000 का अमाउंट, 140 का अमाउंट आपका, और ये आपने काम पूरा किया। अरे ये क्या हुआ, ये क्या हो गया, यहाँ भी जो अमाउंट निकल के आया था वही अमाउंट यहाँ भी निकल के आ गया, दोनों से सेम आंसर आ गया। आएगा बच्चे, मैंने कहा तो था कि एक ही काम करने के दो मेथड हैं, दो मेथड, आपकी मर्जी जो करना कर लो, कोई रोक नहीं सकता। अगर आपने ये किया तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपने ये किया तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे। हमने यहाँ पे क्या किया, पहले 75 आपको दिया, मतलब जो शेयर आपका था बस वही, और फिर हमने क्या किया, मतलब 4.5 लाख को हमने 3:2:1 में तीनों में डिवाइड कर दिया, तीनों में डिवाइड कर दिया। फिर जितनी कमी आई उस कमी को हमने क्या किया जी, आप दोनों के अकाउंट से आपके रेशियो में निकालकर उनको हमने दे दिया आपका, यही काम किया ना सर। हाँ, और यहाँ पे क्या किया, हमने आपका मिनिमम अमाउंट पहले दे दिया जी 1 लाख रुपए। आपके 1 लाख रुपए देने के बाद जो भी बच गया, जो भी बच गया उस अमाउंट को हमने क्या किया, आप दोनों में आपके प्रॉफिट रेशियो में हमने डिवाइड कर दिया, क्योंकि अब डिविजन सिर्फ दो में होना है बचे हुए प्रॉफिट का। तो इन दोनों का रेशियो आपका 3:2 का था, तो 3/5 2/5 में हमने क्या क्या डिवाइड कर दिया, बात खत्म हो गई, झगड़े खत्म हो गए। आप ऐसे करो तो भी आपका सेम आएगा, ऐसे तो भी सेम आएगा, दोनों में कोई भी तरीका करे काम आपका पूरा बनेगा। सर बताओ ना, एग्जाम में दोनों तरीके से करके दिखाना होगा? नहीं बच्चे, ना 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 ना, दोनों नहीं, आप कोई भी एक तरीके से कर सकते हो, कोई भी एक तरीका। अच्छा सर ये बताओ कौन सा ठीक लग रहा आपको, ये करूं कि वो करूं, ये मैं क्यों बताऊं बच्चे, आप ही बताओ ना, आप ही बताओ आपको ये तरीका ठीक लग रहा है कि ये तरीका ठीक लग रहा है। सर तरीका तो दोनों ठीक है, लेकिन हमें लगता है कि इसमें टाइम बचेगा हमारा, इसमें टाइम बचेगा, क्योंकि फटाफट हमने मिनिमम आपको दिया और बाकी जो प्रॉफिट बचा हमने आपस में क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। जब गारंटी फर्म देगी, फर्म का मतलब क्या जी, आप दोनों ने, तो ठीक है जब आपने दोनों ने दिया है तो इनका मिनिमम दे दो और बाकी क्या करो आपस में डिवाइड कर लो, काम खत्म हो गया। आई बात समझ में? सर हाँ सर, बात तो समझ में आई कि आप कहते हो कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये ज्यादा अच्छा है क्योंकि टाइम सेव करेगा, टाइम सेव करेगा। तो हम सर इसी तरीके को फॉलो करेंगे अगर गारंटी फर्म ने दिया है तो। कुछ और बातें आएंगी जो थोड़ा रुक जाओ, पेशेंस रखो, पेशेंस में हूं ना अभी आपके साथ, आज की क्लास में सारे कॉन्सेप्ट खत्म कराऊंगा अच्छे तरीके से, बस आप लिख लो इसको, आप कॉपी करो, आप कॉपी कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हमारे अभी तक दो एग्जाम्पल हुए, हो गया कॉपी बच्चे? सर थोड़ा किनारे हो जाओ, लो में किनारे हो गया, लो में किनारे हो गया, लिख लो इसको भी आप, कौन रोकता आपको, लिख दो। आज तो मैं इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि बस आप रहोगे और मैं रहूंगा, आप सभी बच्चे फील करेंगे क्लास के बाद आप सबके बॉडी में कम से कम 5 से 6 इंच का आपका ग्रोथ हुआ है, 5 से 6 इंच आपकी बॉडी फुल जाएगी बच्चे, क्योंकि आपके अंदर महाशक्ति आ जाने वाली है, महाशक्ति। लो मैं इसको मिटाता हूं, लो मैं इसको मिटाता हूं, मैंने ये भी आपको करके दिखाया और वो भी करके दिखा दिया, अब मैं आगे बढ़ता हूं। आप बताओ सर अब क्या करने वाले हो? मैं क्या करूंगा, बस एक क्वेश्चन और दूंगा, एक क्वेश्चन और दूंगा और काम खत्म करूंगा, फिर मैं थोड़ा और आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना। तो चलो बताओ एग्जाम्पल कितने हो गए सर, 2। तो मैं काम करता हूं थर्ड एग्जाम्पल में आता हूं, लिखे यहां पे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन के अंदर ही एग्जाम्पल नंबर 3, थर्ड एग्जाम्पल बच्चे। कहता थर्ड में कि एक्स वाई जेड
आर पार्टनर्स, लिखते चलो बहुत ध्यान से, आर पार्टनर्स। कहते कि शेयरिंग शेयरिंग प्रॉफिट, शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 3:2:2, और कितना लिखो बताओ जरा, सर 2 लिख दो यहाँ पे, ठीक है आपकी ही बात मानता हूँ, 3:2:2 का रेशियो आपका है जी, कुछ भी हो सकता है, कुछ चिंता नहीं करना, लिखेंगे यहाँ पे आपका फर्म, फर्म हैज गिवन, फर्म हैज गिवन गारंटी, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट, ऑफ मिनिमम प्रॉफिट, फर्म हैज गिवन गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू इजेड फॉर, या फिर ऑफ ऑफ रुपीज आपका 4 लाख। लो हमने कहा कि हमने कह दिया कि देखो जी आपका मिनिमम प्रॉफिट कितना होगा जी, 4 लाख रुपये आपका होगा, मिनिमम प्रॉफिट आपका 4 लाख रुपये आपका होगा, ठीक है ना। कहता है यहाँ पे आगे बढ़ना, कहता है क्वेश्चन में जी आपका कि नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट अर्नड बाय फर्म, अर्नड बाय फर्म, फर्म ने जो प्रॉफिट आपका कमाया है वो कहता है आपका कितना लो जरा बताओ। सर एक काम करो आप ले लो 12 लाख रुपए, चलो ठीक है आपकी बात मानता हूँ बच्चे, 12 नहीं 14 कर लूँ मैं, कर लो सर क्या जाता है, ये लो रुपीज 14 लाख, 14 लाख रुपए का आपने क्या किया था जी, मिनिमम गारंटी दिया था बच्चे आपको यहाँ पे सी को कि आपका 14 लाख रुपए होगा। एक काम करते हैं, 14 गंदा लग रहा मुझे, मैं 12 लाख ही लिखूंगा, कुछ भी हो सकता है, आपको चिंता नहीं करना, दिमाग से क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूँ ना बच्चे, फिगर इसलिए सोचना पड़ जा रहा ताकि आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आए। बोलता कि प्रिपेयर, बोलता कि प्रिपेयर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, बोलता बताओ प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन कैसे बनेगा। आपको ध्यान देने वाली जो बात है कि मिनिमम प्रॉफिट रिजेट को दिया गया है और वो प्रॉफिट कितना है जी, 4 लाख रुपए। मिनिमम प्रॉफिट जो आपको बोला गया है जी वो जेड को बोला गया और अमाउंट कितना बच्चे, 4 लाख रुपए आपका। और जरा बताओ गारंटी किसने दिया है, सर फर्म ने दिया है, फर्म का मतलब क्या हो गया, बाकी के दोनों पार्टनर्स ने, किस रेशियो में जी आपका, इसी रेशियो में आपका, जो रेशियो चल रहा है आपका यहाँ पे। आओ जरा मैं सोल्यूशन रेडी करूँ यहाँ पे, और आपने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, आप बना रहे प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, आओ चेक करते हैं कि आंसर क्या निकल के आएगा। सर क्या इस क्वेश्चन को भी आप दोनों तरीके से कराओगे, आप ही कहो ना दोनों तरीके से कराऊं कि ना कराऊं, जरा बताओ। ये लिखो पहले बाय नेट प्रॉफिट, जरा मुझे बताओ फर्म ने प्रॉफिट कितना कमाया है, सर 12 लाख रुपए, लिखो यहां पे 12 लाख रुपए कमाओ, फर्म ने प्रॉफिट कमाया 12 लाख रुपए। इस 12 लाख के प्रॉफिट को तीनों के बीच में डिवाइड करना है, तो आपने कहा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू आपने क्या कहा जी, तीनों में डिवाइड करना है। तो जो एक्स का प्रॉफिट है वो एक्स के कैपिटल में चला जाएगा, जो वाई का प्रॉफिट है वो वाई के कैपिटल में चला जाएगा, और जो जेड का प्रॉफिट है वो जेड के कैपिटल में चला जाएगा। आप काम करना कि तीनों में थोड़ा गैप छोड़ना, गैप छोड़ना, क्योंकि आप जो बोलोगे वही काम कराऊंगा मैं आपका, तीनों में थोड़ा गैप छोड़ देंगे। मुझे बताओ जरा यहाँ पे आपका जो 12 लाख रुपए का प्रॉफिट आपका है, ये 12 लाख रुपए का जो प्रॉफिट हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे इन तीनों के बीच में, 12 लाख का प्रॉफिट जब डिवाइड होगा तीनों के बीच में, तो बताओ मैं क्या करूँ, कौन सा तरीका फॉलो करूँ। एक बार चेक करता हूँ यहाँ पे पहले वर्किंग नोट्स में कि आखिर जेड शेयर, जेड शेयर इन प्रॉफिट कितना बनता है। अगर हमने इस 12 लाख रुपए को जब हमने डिवाइड किया बच्चे, तो देखो जेड का शेयर कितना था जी, 3:2:2 यानी कि 2/7, देख रहे हैं आप यहाँ पे 2/7, पूरे प्रॉफिट का 2/7 आप लेंगे, तो आपने क्या किया 2/7 निकाला कि इनका कितना बना आपका। अब देखो हमने कहा कि यार 12 लाख रुपए का अमाउंट है, और अगर मैं 2/7 इसका निकालूं तो अमाउंट आ गया 3,42,857 का अमाउंट आपका है, ये अमाउंट निकल के आ गया बच्चे। ओहो सर ये तो कम हो गया, गारंटी उनको 4 लाख रुपए की थी और अमाउंट कितना बना सर, 3,42,857 रुपए बना।
मुझे बताओ कि क्या जेड को इतना ही दिया जाएगा? नहीं सर, नहीं, गारंटी 4 लाख रुपए की थी ना, और गारंटी किसने दिया है? फर्म ने दिया है, फर्म ने, ये देखो फर्म ने। तो आप टेंशन ना लो, आपका जो सेकंड मेथड कहा था वही तरीका फॉलो करो ना, सिंपल लगेगा, क्यों परेशान होंगे आप? आप एक काम करना, जो फर्म ने गारंटी दिया था तो जेड को क्या करो, वो मिनिमम अमाउंट आप यहां दे दो, मतलब 4 लाख। अगर 4 लाख रुपए आपका मिनिमम था तो 4 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और क्योंकि गारंटी फर्म ने दिया है, सबने दिया है, सबने, तो ठीक है जी, सबने मतलब फिर आपको 4 लाख रुपए मिल जाएगा अगर फर्म ने दिया है तो। अब बताओ 12 में 4 हमने इनको दे दिया तो कितना बच गया और जी आपका? सर 12 में जो 4 इनको दिया तो 8 बच गया। वो 8 आप दोनों क्या करोगे, आपस में डिवाइड कर लोगे, और वो रेशियो क्या होगा ये देखो, वो रेशियो होगा आपके बीच का 3:2, क्योंकि अब आप दोनों में जब कुछ डिवाइड होगा बचे तो इस रेशियो में डिवाइड होगा। यानी कि आपने बोला कि 8 लाख रुपए का, 8 लाख रुपए का 3/5 आप देंगे, और 8 लाख रुपए का 2/5 आप यहां पे क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। तो मुझे बताओ ना, 8 का 3 बचा बोलो बटा 5, यानी कि 3/5 कितना निकल के आ जाएगा बच्चों? सर 3/5 यहां पे आ गया 480, 4,80,000 का अमाउंट आपका, 4,80। अच्छा मुझे बताओ 8 लाख रुपए का 2/5 कितना निकल के आएगा यहाँ पे? सर ये आ गया 3,20,000 रुपये का अमाउंट आपका, 3,20 का अमाउंट दे दिया, काम खत्म हो गया, हो गए खत्म बात। क्या दिक्कत इसमें यार, क्या दिक्कत है जरा बताओ? गारंटी फॉर्म ने दिया था 4 लाख का, आपका अमाउंट कम निकल के रहा था, हमने 4 लाख रुपए दे दिए। 4 लाख देने के बाद जो प्रॉफिट बच गया, यानी कि 8 लाख, उस 8 को क्या बचिए, आप दोनों में हमने डिवाइड कर दिया। जरा मुझे बताओ क्या उन बातों को यहां पे लिखो या समझ में आ गया? सर आ गया, सर आ गया। सर एग्जाम में क्या नीचे में जो आपने लिखा था हमें लिखना है? नहीं बच्चे, वो तो मैंने आपको समझा दिया, एग्जाम में तो सिर्फ यही करके आपको आ जाना है, एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि बच्चा इस बात को जानता है, उसने प्रॉपर तरीके से काम किया। वर्किंग में जब बोलूंगा मतलब ये इतना लिख दो काफी है, इसके आगे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जो नीचे हमने लिखा था कि भैया उनका इतना है तो इतना दिया जाएगा, वो किया जाएगा, कुछ नहीं, काम खत्म करो। या कहो तो मैं लिखा दूं, सर लिखा दो ना क्या जाता है, तो ठीक है लिखो यहां पे, सिंस लिख दो यहां पे, कोई बात नहीं, सिंस मिनिमम गारंटी, गिवन बाय फर्म इज ₹4 lakhs फुल स्टॉप, हेंस जेड विल बी गिवन ₹4 lakhs, 4 लाख रुपए दे देगा जी, कौन देगा? बाय द फर्म। बाय द फर्म का मतलब होता है कि पूरे प्रॉफिट में से 4 लाख दे दिया जाएगा, और जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा, रिमेनिंग प्रॉफिट जो बच गया, जरा बताओ कितना बच गया? सर 12 लाख रुपए में अगर हमने इनको 4 लाख दे दिया तो 8 लाख बच गया, 8 लाख ही बच गया ना सर। हाँ, तो रिमेनिंग प्रॉफिट जो होगा विल बी शेयर्ड बाय एक्स एंड वाई इन किस रेशियो में जी? तो सर उनका रेशियो बच गया 3:2, यानी कि 3:2 में क्या करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, क्योंकि 8 लाख जो बच गया उसमें आपका हिस्सा नहीं है जी, तो हम आपके रेशियो कंसीडर नहीं करेंगे, और 3:2 में क्या होगा, हम दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये लिख लिया आपने, रिवीजन में आपको हेल्प करेगा, एग्जाम में इतना लिखने की जरूरत नहीं है बच्चे। एग्जाम में क्या करो, सिर्फ ये जेड का शेयर निकालो आप टू द मैक्सिमम, आपको क्या करना ये निकाल कर फिर इसको सॉल्व कर लेना, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप बताओ क्या ये क्वेश्चन मैं दूसरे तरीके से भी करा दूं, क्या ये क्वेश्चन मैं दूसरे तरीके से भी करा दूं? सर नहीं सर मत कराओ, हम समझ गए कि वो क्या था, नहीं कराओ सर। चलो चलो मैं आपकी बात मान लेता हूं, नहीं कराता, लेकिन देखो आप में से कई सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर इस क्वेश्चन में करा के दिखा दो, बस आगे नहीं कराना, आगे एक समझ में आ गया, लेकिन पूरी क्लियरिटी को लाने के लिए जरा वो भी एक बार दिखा दो। तो लो आपकी बात को मानता हूं, पहले इसको मैं मिटा दूं बच्चे, सर हाँ आप इसको मिटा दो। लो मैं आपकी बात को मानने के लिए, मैं आपकी बात के लिए क्या करता हूं जी, उस चीज को मैं यहां पे आपको दिखा देता हूं, आप मुझे कहो तो मैं इसको मिटा दूं। सर मिटा दो आप, ये हम समझ गए, एग्जाम्पल नंबर 3 था बच्चे, मैं आपको इसी को दिखाता हूं। अब ये हमारा हो गया जी मेथड 1,
मेथड वन आपका, और आपको दिख रहा होगा कि ये प्रेफरेबल हो गया। प्रेफरेबल मतलब आपको लग रहा है कि ये अच्छा लग रहा है, अच्छा हम यही एग्जाम में करेंगे, तो लिख देता हूं प्रेफरेबल इन एग्जाम। अगर एग्जाम में हम ये काम करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, कोई खराब थोड़े लगना है यहां पे। अच्छा अब मैं आपको दिखाता हूं मेथड टू, मेथड टू आपका। अब देखो मेथड टू को हमने बोल दिया लॉन्ग मेथड, लॉन्ग मेथड, लॉन्ग है बच्चे, बहुत लंबा है, और इसलिए मैं यहां पे काम करता हूं एक उदास सा चेहरा आपका बना देता हूं। उदास से चेहरे का मतलब हो गया कि ये मुझे ठीक नहीं लगता, मजबूरी है समझना, इसलिए मैं ये आपको दिखा रहा हूं। लेकिन आपने क्या करना है एग्जाम में इसी मेथड से करना है। देखो स्माइली आपके पास है, ये देखो स्माइली है बच्चे, ये ठीक लग रहा मुझे, लेकिन ये मैं करता हूं जी आपका लॉन्ग मेथड है, फिर भी समझने के लिए लो लिख देता हूं। ये बनाया हमने प्रॉफिट एंड लॉस आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मेरे पास एक तरीका था बच्चे इस चैप्टर को समझाने का, इस टॉपिक को बेसिकली, कि मैं आपको रटा दूं कि ये ऐसे होता जी काम खत्म करो, लेकिन एग्जाम में आप परेशान हो जाएंगे, इसलिए मैं रटा नहीं रहा, हर एक चीज आपको समझा रहा हूं, हर एक पहलू को हम देख रहे हैं कैसे काम कर रहा है। तो ये लिखिए बाई नेट प्रॉफिट आपका अमाउंट कितना है 12 लाख रुपए, 12 लाख बच्चे आपका। लंबा तरीका जो हमने वहां किया था वही तरीका दिखा रहा हूं मैं यहां पे, 12 लाख रुपए। अब आपने कहा यहां पे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू आपका, और प्रॉफिट जो ट्रांसफर किया गया आपका वो किसका जी, एक लिखा हमने एक्सेज कैपिटल अकाउंट, थोड़ा गैप अच्छा छोड़ेंगे, गैप उससे भी ज्यादा हो जाए, फिर लिखेंगे आप यहां पे वाइज कैपिटल अकाउंट, गैप ज्यादा होगा बच्चे क्योंकि प्लस माइनस यहां पे करना है, और फिर आपने लिखा यहां पे जेड कैपिटल अकाउंट आपका, यहां लिखा हमने जेड कैपिटल अकाउंट, क्लियरिटी आना चाहिए, तो आपको गैप पूरा छोड़ना आपका, ठीक है ना, ये हमने लिख दिया यहां पे। अब जरा आओ इसके बाद नीचे में वर्किंग नोट्स, मेरे पास जगह कम है यहां दिखाऊंगा वर्किंग नोट्स आपका, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि पहले आप जेड शेयर निकालो, जेड शेयर, जेड का शेयर क्या निकल के आता है इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में आखिर जेड का शेयर कितना निकल के आता है, एक बार चेक करूं मैं यहां पे, सर हां कर लो ना, तो 12 लाख रुपए का प्रॉफिट है। और देखो जरा 12 लाख में शेयर का रेशियो क्या था जी, सर था 3:2:2 आपका, तो जेड का शेयर आ गया 2 बाई 7। मुझे बताओ जब 2 बाई 7 इसका निकालूंगा तो कितना निकल के आता है, कितना निकल के आता है, तो 12 लाख रुपए का अमाउंट है और इसका 2 बाई 7 आप निकालेंगे तो ये आ गया 3:4:2:8:5:7, राउंडिंग अप में लिखा हमने 3:4:2:8:5:7 आपका ये अमाउंट निकल के आ गया, पीछे भी यही आया था। आप एक काम करो इस मेथड में आपने क्या करना कि 12 लाख का जो अमाउंट है ना बच्चे वो तीनों में क्या करो आप डिवाइड, पहले इसको चेक कर लेना ये कम आ रहा है कि नहीं आ रहा, सर ये कम आ रहा है ठीक है, क्योंकि गारंटी तभी बात उठेगी आपका। अब एक काम करो 12 लाख का जो प्रॉफिट है वो 3:2:2 में डिवाइड कर दो, तो 12 लाख में इनका कितना आ गया 3,42,857, इनका भी आ जाएगा जी 3,42,857, और इनका कितना हो जाएगा, तो सर ये इनका हो जाएगा 12 लाख रुपए इंटू, क्योंकि तीनों में डिवाइड हो रहा है बच्चे तीनों में, तो 3/7 आपका होगा इंटू 3/7 आपका, ये आ गया 5,14,286, राउंडिंग अप में 206,776 आपका, ठीक है। अब जरा बताओ फर्म ने जेड को मिनिमम कितना कहा था, सर कहा था कि आपको 4 लाख रुपए मिलेगा, मेरे बच्चे 4 लाख तो फिर हमें इनको देना ही पड़ेगा। एक बार चेक करो आपका जो शॉर्ट निकल के आ रहा है जी, शॉर्ट इन जेड शेयर, जेड शेयर कितना निकल के आ रहा है यहां पे, तो सर 4 लाख रुपए जो अमाउंट था आपका इसमें से इनको 3,42,857 ही तो मिल पाया, तो जो शॉर्ट हो गया वो कितना निकल के आ गया, 4 लाख रुपए माइनस 3,42,857, ये आ गया बच्चे 57143 का अमाउंट, ये शॉर्ट निकल के आ गया, आया ना सर, हाँ मुझे कोई बताओ ना ये जो कमी आई ये कौन देगा, सर अगर फर्म ने गारंटी दिया है तब तो एक्स एंड वाई दोनों देंगे, लिखा हमने एक्स ने भी देना है वाई ने भी देना है, ठीक बोला आपने, मुझे बताओ एक्स वाई किस रेशियो में देंगे,
तो सर इनका जो एग्जिस्टिंग रेशियो है उसमें देंगे आपका। एग्जिस्टिंग रेशियो क्या हो गया, 3:2। तो लीजिए यहां पे 3:2 में क्या करेंगे जी, ये गारंटी कवर करेंगे 3:2 में। तो बताओ एक्स कितना देगा, मैं यही समझा देता हूं, एक्स कितना देगा जी, तो 57143 जो अमाउंट था इसका 3/5, यानी कि इसका 3/5 ये देंगे जी आपका। ये अमाउंट कितना आ गया आपका, ये आ रहा है 34286, ये आ गया 34286 बच्चे, एक्स देगा। और वाई कितना दे रहा है, आओ चेक कर लेते हैं यहां पे आपका, तो 57143 का आप देंगे 2/5, बताओ ये अमाउंट कितना आ गया। तो सर ये आ गया 57143 का 2/5, फिर से लिखता हूँ 57143 × 2/5 आपका यहाँ पे, तो ये आ गया बच्चे 22857 आपका ये निकल गया। तो एक काम करो आप इसमें कह देना लेस 2z। एक जरा बताओ जेड को कितना दिया है, सर इसने दिया है 34286, ठीक है। और जरा बताओ वाई ने कितना दिया, लिखा आपने यहां पे लेस 2 आपका जेड, ये अमाउंट आ गया 22857, ठीक है आपने दिया। और ये सारा जेड को मिल जाएगा, तो आपने कहा ऐड, एक तो एक्सेज कैपिटल अकाउंट एक्स ने दिया और एक वाईज कैपिटल अकाउंट वाई ने दिया। मुझे बताओ एक्स ने कितना दिया, सर दिख तो रहा है, लिख दो ना यहाँ पे 34286, अच्छा। और वाई ने कितना दिया, 22857, इनको बाहर किया, आप बताओ ये कितना बच गया, सर ये बच गया 4,80,000। और ये कितना बच गया जी, ये बच गया 3,20,000। देखो जरा दोनों सेम निकल के आ रहा है सेम, लेकिन मुझे पता है अब आप समझ गए। और आप चिल्ला के भी कहना चाहते हो कि सर ये मेथड ही एग्जाम में ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये तो लंबा हो जाएगा आंसर जब सेम आएगा और लंबा, तो फिर काम क्यों करेंगे। सर ये अच्छा लगता है क्योंकि जितना जेड का उतना दे दो और बाकी को क्या करो जी, आप दोनों में डिवाइड कर दो, काम खत्म हो गया। कॉपी कर लो आप इसको, कॉपी कर लो। अभी तक हमने डिस्कस किया जी गारंटी गिवन बाय फर्म ने गारंटी दिया है फर्म ने, अच्छा ठीक है सर। आप और भी कुछ बताओगे, हाँ बच्चे क्यों नहीं, आप लिख तो लो पहले यहाँ पे लिख लो, मैं इसको मिटाता हूँ बच्चे, मुझे पता ये कर चुके हैं, मैं इसको मिटाता हूँ। सर आज आप बहुत फास्ट नहीं चल रहे हो, नहीं बच्चे नहीं फास्ट नहीं हूँ, ये तो गर्मी है मेरे शरीर की, मैं चाहता हूँ कि बस ये गर्मी आपके अंदर में भर दूँ, वो शक्ति जो मेरे अंदर है आपके अंदर चला जाए तब मैं शांत हो जाऊँ। जब तक गर्मी चली नहीं जाएगी, शक्ति चली नहीं जाएगी, तब तक मैं क्या करूँगा, चिल्लाते रहूँगा और फास्ट चलूँगा, दौड़ना है मुझे तो यहाँ पे। सर ठीक है सर, फिर मेरा हो गया, लो सर मिटा दो, लो फिर मिटाता हूँ, आपने कहा मैंने मिटा दिया। मैं एक बार पता नहीं क्यों मन कर रहा है एक बार दोबारा इस लाइन को पढ़ लूँ, गारंटी इज गिवन टू एनी पार्टनर और पार्टनर्स, किसी एक पार्टनर या किसी दो पार्टनर तीन पार्टनर, मतलब ऐसा बता रहा है, फॉर मिनिमम प्रॉफिट, मिनिमम की गारंटी आपका, चाहे ये गारंटी फर्म देगी चाहे वो गारंटी पार्टनर देंगे आपका। अभी तक हमने जितने सारे क्वेश्चन कराए उन सब में गारंटी फर्म ने दिया था, गलत बोल रहा हूं, नहीं सर सही बोल लो। आओ देखते हैं कि गारंटी अगर कोई एक या दो पार्टनर देते हैं, लेकिन सारे नहीं, सभी नहीं बच्चे, कोई एक पार्टनर बोल देगा कि ठीक है भैया मैं देता हूं गारंटी जी आपका, या कोई दो पार्टनर बोल देगा, मान लो पांच पार्टनर है उसमें कोई दो पार्टनर ने कह दिया, कोई तीन पार्टनर ने कह दिया, सबने नहीं, तो फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। हमारे एग्जाम्पल कितने हो चुके हैं सर, तीन हो चुके हैं। तो आई जरा चौथे एग्जाम्पल पे आता हूं और चौथे एग्जाम्पल पे कुछ बताता हूं मैं आपको, लिखिए मेरे साथ यहां पे एग्जाम्पल नंबर 4। इस पर कहता है राम श्याम एंड मोहन, तीन पार्टनर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ
बताओ कितना लिखूं? सर लिख दो 3:2:1। चलो ठीक है, आप जो बोलोगे वही काम करूंगा, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करने वाला आज तो। राम श्याम मोहन पार्टनर्स हैं जी, इनका जो रेशियो है वो कहता है कि 3:1 का है, ठीक है ना सर? हाँ जी। फिर कहता है कि इस बार राम राम हैज गिवन गिवन गारंटी, राम हैज गिवन गारंटी। ध्यान से मेरे बच्चे, ध्यान से, गारंटी फर्म ने नहीं दिया है, फर्म नहीं, फर्म मतलब क्या, सारे पार्टनर्स, ऐसा नहीं है। एक आदमी राम कहता है कि राम हैज गिवन गारंटी किसको? टू मोहन, टू मोहन, फॉर फॉर मिनिमम प्रॉफिट, फॉर मिनिमम प्रॉफिट ऑफ रुपीज, आपका चलो मैं लिख देता हूं 1 लाख, 1 लाख रुपए की मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी यहां पे मिला था, और इस बार गारंटी फर्म ने नहीं, राम ने दिया बच्चे मोहन को। आपका बोलता है कि नेट प्रॉफिट, कहता है कि नेट प्रॉफिट अर्नड अर्नड बाय फर्म, फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया है वो कहता है कि फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया वो कहता है रुपीज, रुपीज आपका कितना जी, बोलो कितना मानो, कितना मानो? चलो आपकी बात सुन लिया मैंने, 5 लाख रुपया आप अमाउंट कर रहे हो, वही लिख देता हूँ 5 लाख। बोलता है कि प्रिपेयर, बोलता है कि प्रिपेयर आप बनाओ यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस आपका अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बोलता बताओ आप इसको कैसे बनाओगे? यही हुआ ना बच्चे? सर हाँ जी सर यही हुआ। तो आज जरा देखते हैं क्या निकल के आता है बच्चे, हम बनाएंगे प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको कहीं डर तो नहीं लग रहा है? नहीं सर नहीं, कोई बात ही नहीं डरने की, ये तो सिंपल से कॉन्सेप्ट है कि आपने किसी को कहा है कि भैया मिनिमम इतना मिलेगा तो मिनिमम आपको मिलेगा। गारंटी किसने दिया वो सोचना होगा, वो क्वेश्चन बताएगा। अगर फर्म ने दिया तो सारे पार्टनर्स ने दिया है अपने एग्जिस्टिंग रेशियो में, या फिर पार्टनर देगा जी, जैसे इस क्वेश्चन में कहा कि राम ने कहा कि भैया मैं देता हूँ गारंटी, मैं देता हूँ। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सॉल्यूशन आप बनाओ मेरे साथ यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप बना रहे हैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कहीं आप डर तो नहीं रहे? नहीं सर। अरे बाहर कोई है मार्कर काम नहीं कर रहे हैं? कोई बाहर है जी मार्कर काम नहीं कर रहे हैं? आपने क्या किया यहां बनाया प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप देखते हैं यहां पे क्या निकल के आता है। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अरे बाहर कोई है मार्कर काम नहीं कर रहे हैं? बच्चों एक मिनट रुक जाना, मैं मार्कर इनसे बोल के आता हूं, एक मिनट रुक जाना आप लोग। यार मार्कर काम नहीं कर रहे, मैं बोल रहा हूँ कब से, कोई नहीं चल रहा है। हाँ बच्चे आओ रेडी करते हैं हम, यहाँ पे हम बना रहे प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप यहीं थे ना, मैं सिर्फ गया था, आपको नहीं जाना था? नहीं सर हम यहीं बैठे हुए, ठीक से। तो लो मैं शुरू करता हूँ। आपने लिखा यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट, आपने लिखा यहाँ पे नेट प्रॉफिट, और देखो फर्म का प्रॉफिट यहाँ पे कितने का है, 5 लाख रुपए का आपका, 5 लाख रुपए। आपने क्या करना है, इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आपने कहा टू नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, नेट प्रॉफिट आपने लिखा यहाँ पे ट्रांसफर टू, हमने प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है। आप बताओ किस में ट्रांसफर करेंगे? सर तीन ही तो पार्टनर है, एक राम, तो आपने कहा प्रॉफिट दिया जाएगा जी राम कैपिटल अकाउंट में। एक यहां पे श्याम है, थोड़ा गैप छोड़ के लिखेंगे आप, गैप बना के लिखेंगे यहां पे, क्योंकि प्लस माइनस करना पड़ सकता है, श्याम कैपिटल अकाउंट। और तीसरा बच्चे यहां पे मोहन है, तो आपने यहां पे क्या करना है, मोहन कैपिटल अकाउंट। ये हमने क्या किया यहां पे लिख दिया आपका, ठीक है। थोड़ा आगे भी गैप बना लूं मैं यहां पे, और ये थोड़ा और बड़ा कर दिया। सर आप तो बना ले तो हम कैसे बनाएंगे? कोई बात नहीं बच्चे, झगड़ा नहीं करते, आप इस पर कर लो, आगे से प्रॉपर बताऊंगा कितना जगह छोड़ना आपने, ठीक है। नहीं करते सर गुस्सा, बताओ क्या करेंगे? मैं क्या करूं अब? आपने बताना है, आप मुझे बताओ। 5 लाख का प्रॉफिट है, 3 के बीच में डिवाइड करना है, रेशियो कहता है कि 3:1 का रेशियो, 3:1 का है ना बच्चे? सर हाँ। तो पहले मुझे ये बताओ कि गारंटी इस पर फर्म दी है कि पार्टनर ने दिया है?
सर इस बात तो गारंटी राम यानी कि पार्टनर ने दिया है, फर्म ने नहीं। फर्म का मतलब क्या, सबने मिलकर नहीं दिया बच्चे। तो पता है उस केस में क्या होगा बच्चे, 5 लाख रुपए में से मोहन को जो 1 लाख रुपए मिलना है कम से कम, आप बताओ क्या ये गारंटी फर्म ने दिया है, फर्म ने दिया बच्चे? नहीं सर नहीं, पार्टनर ने दिया है। तो पता फर्म क्या करेगी, उसके पास सिर्फ एक ही उपाय है, उसके पास सिर्फ एक ही उपाय है। वो उपाय क्या है, वो तो 5 लाख रुपए को आप तीनों के बीच में आपके प्रॉफिट रेशियो में डिवाइड कर देगी। वो कहते भैया मुझे गारंटी से मतलब नहीं है, राम समझे, मैं तो इस प्रॉफिट को तीनों के बीच में क्या करूंगा, इस रेशियो में मैं डिवाइड कर दूंगा, मेरा काम ये निकल के आएगा। तो हमने क्या करना होगा जी, वो काम करना होगा। यहां पे आओ मैं शुरू करता हूं, देखता हूं क्या होगा। मैं काम करता हूं, फिगर ना फ्रैक्शन में आ जाएंगे बच्चे। मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूं, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज नहीं है। ये जो प्रॉफिट आपका 5 लाख है ना, लो मैं उसको 4.5 लाख कर देता हूं। आप मेरी मजबूरी समझ रहे हो ना, मैं क्यों कर रहा हूं, चाहता नहीं कि आपका ध्यान कैलकुलेशन पे जाए, इसलिए कैलकुलेशन मैंने सिंपल कर दिया। मैं चाहता हूं कि आपका ध्यान सिर्फ कॉन्सेप्ट पे रहे, इसलिए हम ज्यादा कैलकुलेटर पे बात नहीं करेंगे, हम बातें यहां पे करेंगे आपका। सुनिए, फर्म ने 4.5 लाख का प्रॉफिट कमाया है और ये 4.5 लाख का प्रॉफिट हमें 3 पार्टनर में डिवाइड करना है, क्योंकि गारंटी पार्टनर ने दिया है, पार्टनर ने। तो फर्म को गारंटी से कोई मतलब ही नहीं है, वो गारंटी वर्ड जानती ही नहीं है। वो पता क्या करेगी, वो ये 4.5 लाख का जो प्रॉफिट है ना, वो इस तीनों में क्या करेगी, डिवाइड कर देगी। सर रेशियो क्या होगा, 3:1 जो फर्म का रेशियो आपका है। आओ डिवाइड करते हैं, जरा बताओ कितना निकल के आएगा। तो सर राम में आ गया 2,25,000 रुपए, लिखो यहां पे, अंदर ही लिखना लेकिन आप। और श्याम का जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 लाख रुपए। आप देख लेना अभी अभी क्या था, ऐसा ही कुछ फिगर आएगा। और मोहन में ये अमाउंट जो आपका वो कितना बन जाएगा आपका, 75,000। यानी कि फर्म जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, जब फर्म प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो कहते भैया हमें गारंटी से मतलब नहीं है, हम तो 4.5 लाख रुपए के प्रॉफिट को तीनों में हम डिवाइड कर देंगे और रेशियो हमारा क्या होगा जी, 3:1 का आपका, हम उसमें डिवाइड कर देंगे। डिवाइड हो गया। मुझे बताओ मोहन को कितना मिलना था, 1 लाख, कमी कितने की है, 25,000 रुपए। आप बताओ इस बार ये कौन देगा, तो सर सिर्फ राम देगा, सिर्फ राम। तो बात खत्म हो गई, आपने खुद बता दिया। आप क्या बोलना, यहां लिखो जरा नीचे में नोट, नोट, सिंस गारंटी, गारंटी इज गिवन बाय, इज गिवन बाय राम, राम हेंस ₹25,000, मतलब जी 1 लाख माइनस आपका 75,000 विल बी गिवन बाय ओनली राम, राम को सिर्फ देना होगा बच्चे, राम को। तो आप एक काम करो, राम से लेस कर लो 25,000 और कहां दे दो जी, लेस करके कहां जाएगा बच्चे, मोहन को। आपने क्या किया, या कह दो ऐसे, राम से कह देना कि आपका राम में से आपने ट्रांसफर टू कहां जी, मोहन, आपने ट्रांसफर टू मोहन कैपिटल अकाउंट में आपने क्या किया, 25,000 यहां से हटा दिया। और आपने यहां कर दिया कि फ्रॉम कौन से अकाउंट से आ रहा जी, राम कैपिटल से, राम के अकाउंट से निकालकर हमने क्या किया, 25,000 का अमाउंट यहां पे ऐड कर दिया। तो इस तरीके से राम का अमाउंट यहां 2 लाख रुपए रह गया बच्चों। बात समझ में आ रही है सर? हाँ, श्याम को कोई टेंशन ही नहीं है, श्याम ने थोड़े कोई गारंटी दिया था, तो वो तो उसका 1.5 लाख ही रहेगा। और आपका जो 1 लाख का कमिटमेंट था वो भी यहां पे पूरा हो गया, 1 लाख का कमिटमेंट पूरा आपका हो गया, काम खत्म हो गया, काम खत्म बच्चे। आपने क्या किया, 4.5 लाख का प्रॉफिट, फर्म का जो प्रॉफिट रेशियो है उस रेशियो में पहले हमने तीनों में डिवाइड कर दिया, फर्म का रेशियो में। और फिर हमने क्या किया जी, जितना कम आपका पड़ रहा है वो क्या किया, राम के अकाउंट से निकाला और मोहन में हमने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया। बात समझ आ रही है यहाँ पे? तो इस तरीके से हमने काम पूरा किया, आपका यहाँ पे काम पूरा किया। देखो यहाँ पे क्या हुआ, गारंटी पार्टनर ने दिया है, जब भी गारंटी पार्टनर देगा तो पहले प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट रेशियो में डिवाइड कर दो, जो फर्म के साथ एग्रीमेंट है।
फिर कुछ कमी अगर पड़ेगी तो जिस पार्टनर की बात करेगा उसी पार्टनर के अकाउंट से निकाल के दूसरे में ट्रांसफर कर दो और कुछ नहीं करना। यहां पे कोई दूसरा तीसरा मेथड नहीं है, आपको इसी तरीके से काम करना पड़ेगा। आई बात समझ में? बात समझ में आई? अरे बात समझ में आई सर? हाँ सर, हाँ आई बात समझ में, आ गई बात। तो फिर आप इसको लिख दो ना, कोई बड़ी बात थोड़े, लिख दो आप इसको, लिख लो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। सर चार एग्जाम्पल कर लिया हमने, और भी कौन से बिल्डिंग क्वेश्चन है? नहीं बचे, अब कुछ बचा नहीं, लेकिन मैं कुछ नोट लिखाऊंगा आपको मैंने क्या सीखा। मैं मिटा दूं इसको? इसको मिटा दूं मैं? इसको मिटा दूं बच्चे? सर मिटा दो, ये हो गया हमारा। तो ये लो मैंने क्या क्या इसको मिटा दिया, ये लो मैंने इसको मिटा दिया। और अब आगे बढ़ूं उसके पहले कुछ आपको लिखाता हूं इंपॉर्टेंट नोट, ये अब हटा देता हूं क्योंकि मेरा मकसद पूरा हो गया जी। हाँ, गारंटी इज गिवन टू एनी पार्टनर और पार्टनर्स, पार्टनर्स की बात अभी आएगी, अभी फिलहाल एक ही पार्टनर की बात कर रहे हैं। फॉर मिनिमम प्रॉफिट, गारंटी हमेशा मिनिमम का होता है, कम से कम इतना कमाओगे। गारंटी कौन देगा? चाहे फर्म देगी, चाहे गारंटी पार्टनर देंगे या पार्टनर्स देंगे। तो पार्टनर पार्टनर्स का मीनिंग भी हम लगभग समझा चुके हैं, फिर भी आगे समझाऊंगा, अभी एक दो क्वेश्चन हम और करेंगे। इसको मैं क्या करता हूँ, मिटाता हूँ, इसको मैं मिटाता हूँ। हमारे चार एग्जाम्पल हो चुके हैं कौन से बिल्डिंग क्वेश्चन के अंदर में आपका। मैं आगे एंट्री करता हूँ जी पांचवे के अंदर में, अगर आप मुझे थोड़ा अनुमति दें तो मैं बोर्ड को थोड़ा और साफ कर लेता हूँ, थोड़ा वाइटनेस आ जाए ताकि क्लियरिटी आपको ज़्यादा नजर आए। तब तक चाहो तो आप 3-4 सेकेंड का ब्रेक ले सकते हैं, आप चाहें तो 3-4 सेकेंड का ब्रेक ले सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। लेकिन ब्रेक में कहीं जाना थोड़े आपको, एक घंटे सवा घंटे क्लास में क्या ब्रेक दूं मैं आपको? और क्यों ब्रेक मांगते हो आप, क्यों, आखिर क्यों? लो मैंने इसको साफ कर दिया, ब्रेक खत्म, क्लास में दोबारा एंट्री करते हैं। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? आइए जरा क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। ओह सर ब्रेक ऐसा होता आपका? हाँ बच्चे थोड़े बड़े हो जाओ ना, छोटी क्लास में क्या ब्रेक दो। जब क्लासेज CA CMA CS की लेता हूँ, 4-4 घंटे की क्लास होती है, वहां तो 10-15 मिनट का ब्रेक का मतलब बनता भी है, आपके साथ क्या ब्रेक करूँ, आप तो बहुत छोटे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे। आइए जरा मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। ये लो नोट लिखेंगे मेरे साथ आप, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट, आपने क्या सीखा अभी तक और उसका क्या मतलब निकल के आता है। नोट नंबर वन लिखना, गारंटी इज गिवन फॉर मिनिमम प्रॉफिट, आगे ब्रैकेट में नॉट द मैक्सिमम। गारंटी मेरे बच्चे मिनिमम की होती है, कम से कम इतना कमाओगे, कम से कम, मैक्सिमम की नहीं। मैंने ये नहीं कहना कि भैया आप ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए ही कमाओगे या ज्यादा से ज्यादा आप 2 लाख रुपए ही कमाओगे, ऐसा नहीं कह सकता। अगर मैंने ऐसा कह दिया तो वो आदमी काम करना बंद कर देगा, फिर पार्टनरशिप का फायदा क्या निकल के आया। तो बच्चे गारंटी मिनिमम सिक्योरिटी देता हूं कि कम से कम आप इतना कमाओगे। सर ये बातें तो आपने लिखाई दी थी ऊपर में, फिर क्यों लिखा है? ऐसे ही मन किया तोड़ तोड़ के लिखने का आपका। लिखी नोट नंबर टू, यहां पर कहते हैं कि गारंटी इज गिवन बाय, कौन गारंटी देगा? या तो गारंटी फर्म देती है बच्चे, या तो गारंटी फर्म देगी, या फिर गारंटी देंगे पार्टनर्स। सर ये तो आपने लिखाया था, हाँ बच्चे हाँ लिखाया था, बट मैं थोड़ा अब यहां पे शॉर्ट कर रहा हूं कि मैंने अभी तक क्या पढ़ाया। गारंटी इज गिवन बाय फर्म का मतलब होता है इफ ऑल रिमेनिंग पार्टनर्स, इफ ऑल रिमेनिंग पार्टनर्स हैव गिवन, इफ ऑल रिमेनिंग पार्टनर्स हैव गिवन गारंटी टू अ पार्टनर इन देयर एग्जिस्टिंग प्रॉफिट रेशियो, जो उनके बीच में प्रॉफिट रेशियो एग्जिस्ट कर रहा है,
अगर उसी रेशियो में आप गारंटी दोगे, ऑल रिमेनिंग जिस पार्टनर को गारंटी देने की बात की जा रही है उस पार्टनर को छोड़ के बाकी जितने पार्टनर होंगे, अगर सबने गारंटी दिया है और कहता है कि उसी रेशियो में जो आपके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या बोलेंगे? गारंटी फर्म ने दिया बच्चे, यहाँ पे फर्म ने दिया है। बात समझ में आई सर? हाँ। फिर सर पार्टनर कहा जाएगा, लिखिए यहां पे नंबर वन, कहता है कि इफ वन और मोर पार्टनर्स, वन और मोर पार्टनर्स हैव गिवन गारंटी ब्रैकेट में बट नॉट ऑल पार्टनर्स, बट नॉट ऑल पार्टनर्स। हमने कहा कि गारंटी एक या एक से ज्यादा पार्टनर्स दे, लेकिन सब नहीं बचे, सब नहीं। सर समझाओगे थोड़ा डिटेल में? क्यों नहीं समझाऊंगा, आइए मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब क्या होता है। इसको नहीं लिखना, ये आपको लिखना है, बट ये जो लिख रहा हूं आपको नहीं लिखना, आपको सिर्फ समझना है। मान लो ए बी सी और डी चार पार्टनर है बच्चे, अगर चार पार्टनर है और मान लो गारंटी डी को मिला है कि देखो जी आपका प्रॉफिट कम से कम 1,00,000 रुपए होगा, मान लो, मानने में क्या जाता है, समझा रहा हूं मैं आपको। मान लो डी को कहा गया कि आपका प्रॉफिट कम से कम 1,00,000 रुपए होगा। अब ये गारंटी अगर सिर्फ ए ने दिया, सिर्फ ए ने, या सिर्फ बी ने दिया, या सिर्फ सी ने दिया, तो कहते हैं गारंटी गिवन बाई पार्टनर हो गया। इफ वन और मोर, अगर कोई एक पार्टनर गारंटी देगा तो हम क्या बोलेंगे जी आपका? गारंटी पार्टनर ने दिया बच्चे। अभी हमने क्वेश्चन किया था, अभी दिखाया था मैंने, राम ने गारंटी दिया था वहां पे आपका। या फिर मोर पार्टनर्स का मतलब होता है कि गारंटी जो होगा या तो डी को जो गारंटी दिया गया है, डी को जो गारंटी दिया गया है, या तो ए बी दे दे, या फिर गारंटी बी सी दे दे, या फिर गारंटी ए और सी दे दे, बट सबने नहीं। मतलब अगर तीन पार्टनर्स बच गए रिमेनिंग, तो तीन में से कोई दो पार्टनर दे दीजिए, तीनों नहीं बचे, तीनों नहीं। तो आपने क्या बोला, या तो कोई एक पार्टनर दे गारंटी या एक से ज्यादा, लेकिन सारे नहीं, सारे नहीं, तो हम क्या बोलेंगे? गारंटी आपका पार्टनर ने दिया आपका, या पार्टनर्स ने दिया आपका। आ रही बात समझ में? हाँ। मैं आपको अभी ये, जब एक से ज्यादा लोग गारंटी देंगे हम उसका भी क्वेश्चन आपको कराएंगे, आपको चिंता नहीं करना, बट मैं आपको समझा रहा हूँ अभी यहाँ पे आपका। सर हो गया? नहीं बच्चे, एक बात और यहाँ पे, और या फिर नंबर टू, इफ ऑल रिमेनिंग पार्टनर्स हैव गिवन गारंटी, if all remaining partners have given guarantee in the ratio other than existing profit ratio। मेरे बच्चे ध्यान समझना, मैं नहीं चाहता हूं कि आप एक भी शब्द रटो यहां पे, आपको सारी बातें समझ जानी है। हमने कहा कि गारंटी पार्टनर या पार्टनर्स ने दिया है, ये तब माना जाएगा या तो एक या एक से ज्यादा पार्टनर देंगे गारंटी, लेकिन सारे पार्टनर्स नहीं। पहली बात तो ये थी जो मैंने आपको समझा दिया। दूसरा कहता है कि या फिर सबने दिया है, ओह मतलब डी को जो गारंटी दिया गया है जी, मान लो इनका बीच का रेशियो 3:2:1 का है, ऐसा लिखता हूं मैं अलग से ताकि समझ में आपको आ जाए। मान लो ए बी सी और डी चार पार्टनर है, इनका रेशियो था 4:3:2:1 आपका। डी को गारंटी दिया गया है मिनिमम आपका 1,00,000 रुपए का अमाउंट, कि 1,00,000 आपको मिलेगा। नीचे में हमने लिखा बच्चे, ध्यान देना, अगर ये गारंटी तीनों ने दिया है, तीनों ने मतलब ए बी सी, इफ ऑल रिमेनिंग पार्टनर्स हैव गिवन गारंटी, यानी कि अगर वो गारंटी तीनों ने दिया है, लेकिन जो रेशियो होगा, रेशियो इस रेशियो को छोड़कर किसी और रेशियो में, तो मेरे बच्चे कहा जाएगा गारंटी पार्टनर्स ने दिया है। सुना मैंने क्या बताया? फर्क समझ में आया? सर दोबारा, हमने कहा कि अगर जितने भी रिमेनिंग पार्टनर्स से वो गारंटी देते हैं,
लेकिन उसी रेशियो में जो उनके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि अगर डी को गारंटी ए बी सी ने दिया तीनों ने और इसी रेशियो में बच्चे, इसी रेशियो में तब तो कहेंगे गारंटी फॉर्म ने दिया है। लेकिन अगर डी को गारंटी ए बी सी ने दिया है लेकिन इसको छोड़कर किसी और रेशियो में इक्वली हो जाए, कोई और रेशियो हो जाए जी, चलो हम काम करते हैं जी 2:1 में डिवाइड कर लेते हैं, कुछ भी आपका हो जाए, तो उस केस में कहा जाएगा गारंटी यहां पे पार्टनर ने दिया, पार्टनर ने यानी कि पार्टनर्स ने आपका, फिर फॉर्म की बात नहीं होगी। फॉर्म की बात तभी होगी अगर ऑल रिमेनिंग पार्टनर्स और उनका एग्जिस्टिंग प्रॉफिट रेशियो हो। अगर आपने रेशियो चेंज कर दिया या कोई पार्टनर एक कम कर दिया तो क्या बोलेंगे, पार्टनर्स ने गारंटी आपका दिया हुआ है। सर ठीक है, अब समझ में आया सर, अब क्या बोलना चाहते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चन का आपका पैटर्न जो होगा बहुत डिपेंड करता है बच्चे, हमें पहले जानना हो तो फिर क्वेश्चन करते हैं। आप इसकी कॉपी कर लो, फिर एक क्वेश्चन और कराऊंगा और आप बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। लो मैं इसको मिटा दूं सर, हाँ मिटा दो इसको आप, ये चार क्वेश्चन तो आपने करा दिया था, पांचवा एक क्वेश्चन और कराओ, फिर हम आपका आगे इसके बातें करते हैं आपका। ये लीजिए मैंने इसको मिटा दिया, मैंने यहाँ पे मिटा दिया बच्चे, आपको पांचवा टॉपिक में लेकर आता हूँ, पांचवा एग्जाम्पल आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन के अंदर ही एग्जाम्पल नंबर 5 आपका होगा, पांचवा एग्जाम्पल, सुनिए मेरी बात ध्यान से, पांचवा एग्जाम्पल क्या बोलता है लिखो यहां पे, कहता है कि ए बी सी एंड डी आर पार्टनर्स, डी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 4:3:2:1 आपका ये रेशियो जिसमें प्रॉफिट डिवाइड होगा। कहता है कि हाउएवर डी हैज बीन गारंटेड फॉर मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹1,50,000 बाय रिमेनिंग पार्टनर्स इन इक्वल रेशियो। कहता है कि चार पार्टनर हैं, डी को गारंटी भैया 1.5 लाख कम से कम मिलेगा, लेकिन ये गारंटी रिमेनिंग पार्टनर्स ने दिया इक्वली, इक्वल रेशियो आपका, इनका रेशियो क्या था 4:3:1, लेकिन इक्वली कहता हम कंट्रीब्यूट करेंगे आपका। और कहता है कि जो आपका नेट प्रॉफिट अर्नड है बच्चे, नेट प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर जो प्रॉफिट आप लोगों ने कमाया है, वो कहता है मान लो यहाँ पे 12 लाख का अमाउंट आपका, ₹12 लाख, बोलता है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर आज बुक से क्वेश्चन नहीं कराओगे? नहीं बच्चे, आज तो हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, फिर बुक से क्वेश्चन में अगली क्लास में चले जाएंगे, कोई बड़ी बात थोड़े, कहां भागे जा रहे हैं, आप भी यहीं पे, हम भी यहीं पे। एबीसीडी पार्टनर्स से रेशियो 4:3:1 का डी को गारंटी दिया गया कि कम से कम प्रॉफिट आपका 1.5 लाख रुपए होगा, लेकिन ये गारंटी रिमेनिंग पार्टनर्स ने तो दिया है, एबीसी ने दिया बच्चे डी को, लेकिन इस रेशियो में नहीं, कहता कि इक्वली दिया जाएगा, इक्वली कमी जो आएगी शॉर्टफॉल जो होगा वो इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे। आप मुझे बताओ ना कि गारंटी यहां पे फर्म का माना जाएगा कि पार्टनर का माना जाएगा, आप मुझे बताओ, गारंटी फर्म ने दिया कि पार्टनर ने दिया? सर रिमेनिंग पार्टनर्स ने गारंटी दिया तो है, डी को छोड़ के बाकी सबने दिया है, लेकिन रेशियो ये नहीं बोल रहा है, रेशियो कुछ अलग बोल रहा है, तो फिर मेरे बच्चे कहा जाएगा गारंटी पार्टनर्स ने दिया है, पार्टनर्स ने, फर्म नहीं। फर्म तब होगा जब सबने मिलकर दिया होता है, एग्जाम में थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं तो आप ध्यान करें यहां पे गारंटी क्या माना जाएगा, फर्म का, पार्टनर्स का माना जाएगा। बोलता बताओ क्या करूंगा, सॉल्यूशन में पाइए मेरे साथ, लिखिए मेरे साथ प्रॉफिट एंड लॉस आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आप यहां रेडी करेंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट,
ये रहा आपका प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कोई बड़ा बहुत ज़्यादा तो नहीं होने वाला है। तो आपने बोला जी बाय नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट मुझे बताइए प्रॉफिट कितना है बच्चों। तो सर प्रॉफिट तो 12 लाख का अमाउंट है यहाँ लिखा आपने, मुझे कोई बताओ गारंटी फर्म ने दिया कि पार्टनर्स ने दिया है। सर पार्टनर ने, अगर गारंटी पार्टनर दिया है ना बच्चे, तो फर्म क्या करेगी अपने इस प्रॉफिट को, फर्म क्या करेगी अपने इस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देगी इसी रेशो में। फर्म ने गारंटी थोड़ा दिया है, फर्म ने गारंटी थोड़ा दिया है, तो फर्म क्या करेगी बोलेगी भैया जितना हमने प्रॉफिट कमाया, नेट प्रॉफिट जो हमने कमाया है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा पार्टनर्स को, यानी कि एज कैपिटल अकाउंट गैप छोड़ के मैं 12 लाख यहाँ हटा दूँ, बीज कैपिटल अकाउंट गैप अच्छा छोड़ना बच्चे, गैप छोड़ना यहाँ पे बीच में, सीज कैपिटल अकाउंट एंड डीज कैपिटल अकाउंट। अगर गारंटी पार्टनर्स ने दिया है तब तो फर्म क्या करेगी प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में अपना जो एग्रीमेंट हुआ था उस रेशियो में डिवाइड कर देगी 4321। तो जरा बताओ कितना निकल के आएगा। सर इनका हो जाएगा 12 लाख रुपए का 4/10, ये हुआ ना सर, हाँ 4/10 बताइए कितना आ गया, ये आ गया 4,80,000, अंदर में ही लिखना आप 480। बी का कितना होगा जी, तो सर 12 लाख रुपए का जो प्रॉफिट है इसका 3/10 बताओ ये कितना निकल के आ गया। सर ये आ गया 3,60,000 का अमाउंट आपका यहां हो गया जी। 12 लाख का अमाउंट याद रखना एग्रीमेंट यहां पे जो है गारंटी का वो पार्टनर्स ने दिया है, इसलिए फर्म क्या करेगी जी प्रॉफिट को अपने साथ जो एग्रीमेंट हुआ है उस रेशियो में डिवाइड कर देगी, जो कि 4321 का है, 2,40,000 रुपए आपका भी हो गया। और 12 लाख रुपए का अमाउंट का 1/10 यानी कि आपका कितना हो गया जी 1,20,000 का अमाउंट, ये लिख दिया हमने बच्चे आपका 1,20,000, ठीक है ना सर। हाँ मुझे अब बताओ डी को मिनिमम गारंटी कितने की थी। सर 1.5 लाख रुपए। आप बताओ क्या 1.5 लाख इनको मिला, नहीं मिला। बताओ कमी कितने की है, सर 30,000 की है। आप बताओ 30,000 कौन देगा, सर ए बी सी देंगे। जरा बताओ किस रेशियो में देंगे, सर इक्वली देंगे। क्वेश्चन ने कहा है कि जो भी कमी आएगा हम आपस में इक्वली बांट लेंगे जी आपका। तो मेरे बच्चे आपने क्या करना है, लो मैं लिख देता हूं यहां पे ताकि आपको दिक्कत ना आए वर्किंग नोट्स में। कहता है कि आपका शॉर्टफॉल इन मिनिमम गारंटेड अमाउंट ऑफ डी कितना हो गया। तो सर गारंटी 1.5 लाख का था और यहां पे 1,20,000 तो आपको मिल गया फॉर्म के द्वारा, तो कमी जो आ रही है यहां पे 30,000 रुपए की निकल के आ रही है, 30,000 रुपए के, ठीक है लिखे। ये 30,000 जो आया कौन देगा, विल बी गिवन बाय ए बी एंड सी इन किस रेशियो में, इन इक्वल रेशियो। आपका इक्वल रेशियो का मतलब हो गया कि 3 के बीच में इक्वल, यानी कि 1:1:1 आपका है ना बच्चे, 3 के बीच में इक्वल का मतलब क्या होगा 1:1:1 आपका। तो ये जो 30,000 का अमाउंट है आप देखो जरा यहां पे बोलेंगे आप लेस आपने किसको दे दिया टू डीज कैपिटल अकाउंट, हमने डी को दे दिया कितना मेरे बच्चे। तो जो कमी आई थी 30,000 रुपए, उस 30,000 का 1/3 यानी कि 10,000 का अमाउंट आपने भी क्या बोला जी यहां पे, मैं थोड़ा छोटा कर दू, बहुत बड़ा लिख दिया मैंने, लेस आपने कहा यहां पे टू डीज कैपिटल अकाउंट आपने कितना दिया, आपने भी 10,000 रुपए का 1/3 आपने दिया है, सॉरी 30,000 का 1/3 आपका, 30,000 शॉर्ट था, यानी कि 10,000 रुपए आपने भी दिया है जी। और आपने भी कहा यहां पे लेस टू डीज कैपिटल अकाउंट, मैंने कहा था बीच में गैप छोड़ने के लिए आपको, आप झगड़ा नहीं करना मेरे साथ, जगह मैंने प्रॉपर कहा था छोड़ने के लिए। 30,000 का आपने क्या बोला जी 1/3 यहां पे, यानी कि 10,000 का अमाउंट आपका। तो आप मुझे बताओ फिर आपका कितना रह गया, सर 470 आपका कितना रह गया, सर 350 और आपका कितना रह गया, सर 230। गुड
सही बोला आपने। और यहां पे क्या बोलेंगे जी, एड फ्रॉम ए, फ्रॉम एज कैपिटल, फ्रॉम बीज कैपिटल, और मैं इसको मिटाऊंगा जगह बनाने के लिए, आपने लिख लिया होगा मुझे पता है, फ्रॉम सीज कैपिटल। इन तीनों से हमें 10,000 and 10,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन हमें मिला है। इस तरीके से हमारा शेयर 1.5 लाख रुपए हो गया। झगड़े ना कहीं रहे ना होंगे, क्योंकि सारे काम हम एग्रीमेंट के मुताबिक कर रहे हैं आपका। बात खत्म हो गई, बात खत्म होगी बच्चे। तो आपने क्या किया, प्रॉफिट का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन आपका हो गया, ये काम पूरा हो गया। आप इसकी कॉपी कर लो, इसकी कॉपी आप इसकी कॉपी कर लो बच्चे। मुझे लगता है कि आज मैंने काफी आपको स्ट्रॉन्ग कर दिया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो आज हम क्लास को यहीं रोकेंगे बच्चे, आज क्लास को यहीं रोकेंगे। आज देखो हमने क्या सिखाया, गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। गारंटी हमेशा मिनिमम की होती है, मैक्सिमम की नहीं होती। जब हमने क्लास शुरू किया था पहले वाले क्वेश्चन में, आप देखो जरा कि जिस आदमी को गारंटी 1 लाख का दिया गया था, वहां पे उसको 1.5 लाख का अमाउंट मिल गया था, तो हमने कुछ नहीं किया, फिर तो नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया। फिर गारंटी कौन देगा, कौन देने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि उनका काफी ज्यादा अमाउंट मिल गया। सवाल तब उठता है गारंटी का जब हमें जितना अमाउंट आपको देना है अगर उससे कम अमाउंट आपको मिल रहा है, तो फिर देखते हैं कि गारंटी फर्म ने दिया है कि पार्टनर्स ने दिया। फर्म के द्वारा दिया हुआ गारंटी का 2 तरीका मैंने बताया, बट आप क्या करना, वो तरीका फॉलो करना जहां पे मिनिमम पहले आप गारंटी पार्टनर को दे दो, बाकी दूसरे पार्टनर से डिवाइड कर देना। लेकिन गारंटी अगर पार्टनर्स ने दिया तो उसको, इसमें क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराया, दोनों के बीच में हमने प्रॉपर तरीके से डिफरेंसेज भी आपको बताया। अगली क्लास में मिलूंगा अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए। आप अभी बुक्स के किसी क्वेश्चन को टच नहीं करना, जब मैं बोलूंगा तो ही टच करना बच्चे आपको। ऐसे बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, लेकिन फिर भी आपको टच नहीं करना। इस 5 लाख रुपए पे जरा बताओ रेट कितना चल रहा है। सर 8% विल टेक 8% आपका। और बताओ कितने महीने पैसा रखा जी बिजनेस का आपने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने, तो विल चार्ज इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ्स आपका। कितना आ गया बच्चे, ये आ गया 10,000 का अमाउंट आपका, 10,000 रुपये का अमाउंट आपका, यही निकल के आया ना। आओ एक बार चेक कर लेते हैं, ये 5 लाख का अमाउंट है, रेट कहता है कि 8% आपका, और 3 महीने का यानी कि अमाउंट हो गया 10,000। खत्म हो गई बात आपका। अच्छा ठीक है सर, ठीक है समझ में आया। अब तो यहाँ कोई बड़ी बात है नहीं, आपने सारी अच्छी बातें सीख ली हैं। इससे ज्यादा कुछ होता नहीं बच्चे, इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं। गारंटी ऑफ प्रॉफिट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर, इस टॉपिक को हम लेके चल रहे हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट, इसके बड़े डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है। आज हम इनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं आपके साथ। आपका देखिए क्या बता रहा है, कहता है टॉम एंड डॉम शेयर प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो 3:2। एज फ्रॉम 1 जनवरी 2000 दे एडमिट कॉम हु इज टू हैव 1/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट विथ ए गारंटेड मिनिमम ऑफ 15,000 रुपए। हमने कहा भैया आप हमारे साथ आओ, हम आपको 1/10 शेयर इन प्रॉफिट देंगे, लेकिन हाँ मिनिमम गारंटी 15,000 रुपए का है। टॉम एंड डॉम कॉन्टिन्यू टू शेयर प्रॉफिट एज बिफोर बट अग्री टू सफर एनी एक्सेस ओवर 1/10 गोइंग टू कॉम इन द रेशियो 4:1 रिस्पेक्टिवली। फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया 1 लाख रुपए कमाया है, बोलता बनाओ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का मेरे बच्चे, आप बना रहे हैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जरा मुझे क्वेश्चन में ये बताओ कि गारंटी यहाँ पे फर्म ने दिया है कि पार्टनर्स ने दिया है। सर गारंटी तो यहाँ पार्टनर ने दिया है, क्योंकि फर्म की गारंटी तब मानी जाती है जब सारे पार्टनर्स गारंटी देते हैं उनके एग्जिस्टिंग प्रॉफिट रेशियो में। मैंने ये बात आपसे पहले कही हुई है, तो आओ जरा यहाँ देखते हैं क्या निकल के आएगा। लिखिए मेरे साथ यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट। बताओ जरा फर्म ने प्रॉफिट कितना कमाया है। सर फर्म के द्वारा कमाया हुआ प्रॉफिट जो आपका है वो 1 लाख रुपए का अमाउंट आपका है। 1 लाख अमाउंट फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया सर वो 1 लाख रुपए का अमाउंट है।
कहता है कि आप एक काम करो, इसको हमें डिवाइड करना है जी तीन पार्टनर्स के बीच में, लिखेंगे यहां पे प्रॉफिट ट्रांसफर टू, प्रॉफिट ट्रांसफर टू, पार्टनर्स का नाम बताइए क्या क्या है, एक तो टॉम, आप लिखेंगे टॉम कैपिटल अकाउंट, दूसरा है जी यहां पे डॉम, थोड़ा गैप छोड़ के बच्चे, गैप छोड़ के कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना हमने यहां पे डॉम कैपिटल अकाउंट, और तीसरा पार्टनर जो नया नया आया था उसका नाम क्या था, कॉम, तो आप यहां कह रहे हैं कॉम कैपिटल अकाउंट। आइए सुनिए मेरी बात, मुझे बताओ ये नया पार्टनर कितने के लिए आया था? सर 1/10 के लिए। तो चलो बताओ 1 लाख का 1/10 कितना होता है? सर 10,000 अमाउंट, लिखो यहां पे 10,000 का अमाउंट जी। फर्म ने क्या किया, 1 लाख रुपए का 1/10 आपको दे दिया, गारंटी कितने की है कितने की नहीं है उसको फर्म से कोई मतलब नहीं है, गारंटी पार्टनर ने दिया बच्चे, तो फर्म तो अपने मुताबिक प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगी, 1/10 दिया। 1 लाख में 10,000 रुपए इनको देने के बाद जो बच गया यानी कि 90,000, वो 90,000 ये दोनों आपस में डिवाइड कर लेंगे अपने एग्जिस्टिंग प्रॉफिट रेशियो में जो कि 3:2 है, यानी कि इसका 3/5 टॉम लेगा जी और इसका 2/5 यहाँ पे डॉम लेगा, बताओ ना कितना आ गया ये। सर 90,000 को जब आप डिवाइड करोगे 90,000 को डिवाइड बाई आपको 5 × 3, तो सर ये 54,000 का अमाउंट निकल के आ गया, ठीक है। जरा बताओ ये कितना आ गया फिर आपका 90,000 का इंटू 2/5, मेरे बच्चे ये आ गया 36,000 का अमाउंट आपका, 36,000 का अमाउंट आपका, अच्छा ठीक है। अब मुझे बताओ गारंटी थर्ड पार्टनर को, नए पार्टनर को कितने की थी जी, 15,000 रुपये, 15,000 की गारंटी थी बच्चे, लेकिन आपने इनको दिया कितना, सिर्फ 10,000 रुपये आपका, बोलो ना गारंटी 15,000 की थी मिला 10, तो इनको कितने की कमी हो रही है, 5,000 रुपये की। जरा बताओ 5,000 कौन देगा, सर ये दोनों देंगे, इन्होंने गारंटी दिया था, किस रेशियो में गारंटी थी आपका, 4:1 में, तो ठीक है आप एक काम करना यहां बोलो लेस टू, आपने क्या किया जी कॉम, आपने कहा कि भैया कॉम को जो 5,000 की कमी हो रही है उस 5,000 का 4/5 मैं दूंगा, यानी कि 4,000 रुपये मुझे देना पड़ेगा जी एज पर द एग्रीमेंट आपका, ये हटा दिया हमने मैं, और इन्होंने भी कहा लेस, आपने बोला टू कॉम, टू कॉम, ये कितना आपका हो गया उस 5,000 रुपये का, 5,000 रुपये का आपका 1/5, यानी कि 1,000 रुपये का अमाउंट आपका यहाँ पे। तो चलो बताओ ये कितना चला गया, 50,000 का अमाउंट आपका, ये कितना चला गया, 35,000 का अमाउंट, और हाँ इनको मिला जी, ऐड करो यहाँ पे, एक तो फ्रॉम, फ्रॉम टॉम से आया जी 4,000 रुपये, ऐड कर दो, और यहाँ पे डॉम से भी आया बच्चे, डॉम से कितने रुपए आए हमारे पास, सर 1,000 रुपये, तो इनको कितना मिल गया, 15,000 रुपये टोटल आपके हो गए, गारंटी की बात पूरी हो गई, पैसा सबको मिल गया, झगड़े खत्म है, सब कुछ ठीक है यहाँ पे। आप प्लीज़ कॉपी कर लो इसको, आप प्लीज़ कॉपी कर लो, ये 6 क्वेश्चन जो था बुक का हमने उसको सॉल्व किया बच्चे। सर कॉपी हो गई, सर कॉपी हो गई, ठीक है फिर मैं फिर इसको मिटाता हूँ, आप इसको लिख चुके हैं, मैं इसको मिटाता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ और एक और भी अच्छे क्वेश्चन को पकड़ता हूँ, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में थोड़े ही आएंगे, ये तो क्वेश्चन 12वीं क्लास का था, 12वीं क्लास में, 11वीं क्लास में, 8वीं क्लास में, 9वीं क्लास में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सर एक बात बताओ 9th क्लास में 10th क्लास में कॉमर्स होता है? नहीं होता बच्चे, कौन कहता है, लेकिन उसके भी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे, ये कोई बड़ी बात हो रही है। आओ जरा मैं आपके लेवल के क्वेश्चन में आता हूँ और देखो क्वेश्चन कैसे निकल के आते हैं। आओ जरा एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन, जरा हम इसको टच करते हैं, सुनो मेरी बात, 7th क्वेश्चन क्या बताता है, 7th क्वेश्चन क्या बताता है, सुनिए मेरी बात। कहता है हरीश एंड राकेश वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। मैं क्वेश्चन शॉर्ट में लिखता हूँ जी, मुझे अच्छा लगता है, आप मेरे साथ देखें यहाँ पे, लिखना इसकी जरूरत नहीं है, चाहो तो आप लिख सकते हो शॉर्ट में, एग्जाम में इसको नहीं लिखना होता। दो पार्टनर है जी हरीश और राकेश, इनका रेशियो कहता है कि 3:1 का है,
इन्होंने एक नया पार्टनर सतीश को लिया, सतीश एज ए जूनियर पार्टनर ऑन ए सैलरी ऑफ 400 पर मंथ। हमने सतीश को एक पार्टनर के रूप में लिया जी, बोला कि आप एक काम करो, आप यहां पे मेरे साथ बन जाओ पार्टनर। लेकिन मैंने इनको दो ऑप्शन दिया बच्चे, जब इन्होंने पूछा कि मुझे प्रॉफिट कितना मिलेगा, हमने कहा कि देखो जी ऑप्शन वन एंड ऑप्शन टू, आप इनमें से चाहो तो कोई भी एक ले लो, आपकी मर्जी, जिसको चाहो उसको ले लो। मुझे बताओ अगर अगर आप यहाँ पे सतीश हो और मैं आपको ऑप्शन दूँ ये ले लो चाहे ये ले लो, तो बताओ आप कौन सा लेना पसंद करोगे? बोलो ना कौन सा लेना पसंद करोगे? सर इस दोनों में जो भी बड़ा होगा वही लूँगा, स्वाभाविक सी बात है, अगर दो ऑप्शन आपको मिल गया तो जो बड़ा होगा वही तो लेंगे। हाँ सर हाँ ठीक है। देखो इनको ऑप्शन क्या दिया गया, कहते कि काम करो जी आपके पास पहला जो ऑप्शन है उसमें आप हमसे सैलरी ले लो जो 400 रुपये आपका पर मंथ होगा, प्लस इसके साथ साथ हम आपको शेयर इन प्रॉफिट भी देंगे, हम आपको यहाँ पे शेयर इन प्रॉफिट भी देंगे, वो कितना होगा जी 10% होगा, लेकिन ध्यान से ऑफ द प्रॉफिट, ऑफ प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट? कहता कि जिस प्रॉफिट में आपने सैलरी, प्रॉफिट माइनस आपने क्या किया जी सैलरी 10%, कहता कि ऑफ द प्रॉफिट माइनस सैलरी एंड सच 10% शेयर प्रॉफिट। अच्छा यानी कि कहता कि जो प्रॉफिट में शेयर मिलेगा वो कहता कि 10% होगा जी, प्रॉफिट में सैलरी को माइनस करो और साथ ही साथ माइनस करो उसका शेयर इन प्रॉफिट, शेयर इन प्रॉफिट इन दोनों को माइनस करके जो आएगा उसका 10%। ये क्या बोल रहा है, प्रॉफिट में जो शेयर इसको मिलेगा वो तो 10% मिलेगा, लेकिन किसका? तो कहता है कि वो प्रॉफिट जिस प्रॉफिट में सैलरी यानी कि ये माइनस हो चुका है और ये भी कहता कि माइनस कर दो। अरे जब हमें ये पता ही नहीं तो हम माइनस कैसे करेंगे? छोड़ो ना, लिख दो पहले आप यहाँ पे लिख दो, आप कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। या फिर सेकेंड ऑप्शन कहा कि सिंपली आप ले लो जी 1/5 ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट का 1/5 ले लो। वो कह भी रहा विच एवर इज ग्रेटर, विच एवर इज ग्रेटर का मतलब हो गया इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा, जो भी बड़ा होगा आप उसको ले लो, जो भी इनमें से बड़ा होगा बच्चे, हमने कहा कि आप उसको ले लो। लेकिन पढ़ना आगे कितना प्यारा वर्ड लिखा हुआ है, थर्ड लाइन पढ़ रहे हैं बीच में, आप थर्ड लाइन पढ़ रहे हैं बीच में, शुड द लेटर एक्सीड द फॉर्मर, लेटर बाद वाला, अगर ये इससे ज्यादा होता है, अगर ये अमाउंट इससे ज्यादा होता है तो पढ़ो जरा कि ये एक्सेस इज टू बी बोर्न बाय हरीश। मेरे बच्चे अगर ये अमाउंट यानी कि अगर ऑप्शन टू ये बड़ा होता है ऑप्शन वन से, तो ऊपर का अमाउंट जो होगा वो बोर्न बाय, कहता है कि बोर्न बाय हरीश, हरीश इस बात को बियर करेगा, यानी कि गारंटी यहां पे बच्चे हरीश ने दिया है। तो देखो आप इतने अच्छी तरीके से इस टॉपिक को पढ़े हो, इसका क्या मतलब निकल के आता है जी? मतलब है कि जब हरीश ने कहा कि इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा, सॉरी गलत, सतीश को बोला गया कि दोनों में से जो भी बड़ा होगा आप ले लो जी, लेकिन फिर कहा गया कि अगर ऑप्शन टू वन से बड़ा होता है तो एक्सेस अमाउंट जो होगा ऊपर वाला अमाउंट कौन देगा? हरीश यहाँ पे देगा। अच्छा आगे बढ़ो, जरा आगे बढ़ो, फिर क्या बता रहा है? कहता कि प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर चार्जिंग सैलरी, ओहो ये क्वेश्चन कहता है कि जो प्रॉफिट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट, कहता कि आफ्टर सैलरी, ये सतीश का जो सैलरी है जी वो माइनस करने के बाद कहता है कि ये 52,800 रुपये का अमाउंट है। जरा बताओ सैलरी कितना हो गया, 400 पर मंथ है तो 12 महीने की सैलरी कितनी हो जाएगी? 4800 रुपये आपका, 4800। ठीक है ये हमारे क्वेश्चन लिख लिया और क्वेश्चन की पूरी क्लियरिटी आ गई। बोलता है प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही कह रहा बनाने के लिए बच्चे, जहां पर हमें इसका एडजस्टमेंट दिखाना है। आप लिख लो, मैं अब आपको समझाता हूं। देखो मैं क्या करूंगा, मैं बनाऊंगा यहां पे आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मैं बनाऊंगा प्रॉफिट लॉस आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस क्वेश्चन में हम इसको प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कह सकते हैं, एक्चुअली एडजस्टमेंट ही तो हो रहा है, कम ज्यादा कुछ हुआ तो ठीक है जी हम दे देंगे हम ले लेंगे, ऐसी बातें कह रहा आपका यहाँ पे, ये लीजिए हमने रेडी किया।
जरा बताओ क्वेश्चन में जिस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में हमें डिवाइड करना है वो प्रॉफिट कितना है? क्या वो प्रॉफिट 52,800 रुपये है? बताओ ना, जिस प्रॉफिट को हमें हरीश, राकेश और सतीश के बीच में डिवाइड करना है, क्या वो प्रॉफिट 52,800 रुपये है? नहीं सर, नहीं, ये नहीं है, क्योंकि ये प्रॉफिट कहता है कि सैलरी माइनस करने के बाद है, ये 4,800 माइनस करने के बाद, और हमने पहले सीखा हुआ है, हम यहाँ पे वो प्रॉफिट लिखते हैं जो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करना है। तो मेरे बच्चे 52,800 रुपये का जो अमाउंट है, मैं पूरा प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करूँगा, 52,800 में ये जो सैलरी यानी कि 4,800 जो माइनस हो चुका है, उस 4,800 को यहाँ पे ऐड कर दूंगा, और इस 4,800 को ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगा 57,600, वो लिखा जाएगा बच्चे, जिस प्रॉफिट को हमें पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करना है। कुछ गलत तो नहीं बता रहा मैं आपको? पहले मैंने जब प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का डिस्कशन किया था, पहले मैंने आपको समझाया था बहुत डिटेल में, आप चेक करो मेरी सेकंड क्लास में आपको दिखाई देगी, ये सब बातें मैंने की है आपके साथ। तो 57,600 रुपये का प्रॉफिट है, हमें डिवाइड करना है। चलो आप लिखो यहाँ पे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, हम प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे जी, क्या नाम कहे जी, एक तो हरीश है पहला पार्टनर, ठीक है, दूसरा कौन है बच्चे, राकेश, यहाँ लिखेंगे गैप छोड़ते हुए राकेश, और तीसरा यहाँ पे कौन है जी, सतीश। तो आपने क्या किया यहाँ पे, सतीश का नाम लिखा यहाँ पे। चलो आगे बढ़ूँ, उसके पहले मुझे सतीश का जानना होगा कि दोनों ऑप्शन में कितना मिल रहा बच्चे, दोनों में कितना मिला, इस बात को जानना पड़ेगा। अब देखो मैं कैसे इस बात को पता करूँगा, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे पता किया जाएगा, आप जरा सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो मैं कैसे पता करूँगा। आप एक काम करो, आ जाओ यहाँ पे वर्किंग नोट्स नंबर 1, पहला वर्किंग आपका, और लिख रहे हैं आप कंप्यूटेशन ऑफ सतीश शेयर इन प्रॉफिट अंडर बोथ ऑप्शंस। दो जो यहां पे ऑप्शंस हैं, उन दोनों ही ऑप्शंस में क्या इनका शेयर बनता है उसको पता करते हैं। तो आई जरा यहां लिखा आपने ऑप्शन नंबर 1, पहला ऑप्शन बच्चे आपका फर्स्ट ऑप्शन, आप चेक करो फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा है, एक तो सैलरी, मेरे पास ना जगह कम पड़ेगा, मुझे पता है यहां पे आगे दिक्कत आएगी, मैं काम करता हूं इसको, मैं इसके आगे की बातें यहां करता हूं। यहां क्वेश्चन तो आपने लिख लिया इस बात को, ये तो आपको पता ही है जी, तो मैं आपको क्या करता हूं, इसको हटाता हूं और मैं आपको यही बताता हूं जी। ये देखो जरा यहां पे पहला ऑप्शन लिखेंगे, यहां पे ऑप्शन नंबर 1 कहता कि पहले ऑप्शन में एक तो इनको सैलरी मिलेगा जी, सैलरी जो कहता है कि आपका अमाउंट कितना होगा, 400 रुपए के हिसाब से 12 महीने में 4,800 रुपए यानी कि 4,800 की आपको सैलरी मिलनी है। ये हमने क्या किया, सैलरी दिखा दिया आपका इतना अमाउंट ऑप्शन 1 के अंदर में। फिर कहता कि शेयर इन प्रॉफिट मिलेगा, कहता कि शेयर इन प्रॉफिट जो मिलेगा वो कितना होगा जी, वो कहता कि काम करो जितना भी प्रॉफिट है, ये देखो ये प्रॉफिट है 57,600, मैं कहता कि आप ये काम करो सैलरी माइनस कर दो, ये सैलरी का अमाउंट है हमने माइनस कर दिया। फिर कहता कि आप उनके शेयर इन प्रॉफिट को भी माइनस कर दो, अरे हम शेयर इन प्रॉफिट ही तो निकाल रहे, वो कैसे माइनस कर दो, वो तो हमें पता ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, झगड़ा नहीं, आप इसको एक्स मान लो और इसमें से क्या करो उस एक्स को माइनस कर दो, काम खत्म हो गया। जो चीज़ हमें निकालना वो नहीं पता, तो हमने इसको एक्स मान लिया जी और इसमें से एक्स को माइनस कर दिया। फिर जो आएगा कहता है कि इसका वो लेगा कितना, 10%। ये देखिए वो कहता है कि इसका कितना लेगा, वो 10% यानी कि 10/100 आपका। तो अब देखो मैंने क्या किया, ऑप्शन वन में जो इनकी बातें थी उस बात को हमने यहाँ पर लिख दिया जी, ऑप्शन वन में बातें लिख दी। जरा बताओ कितना निकल के आ जाएगा एक्स की वैल्यू, चेक करो जरा एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी। जब आप एक्स को सॉल्व करेंगे बच्चे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4,800 रुपीज़ का अमाउंट आपका, 4,800 रुपये। जब एक्स की वैल्यू को सॉल्व करेंगे, एक बार चेक कर लेता हूँ, 57,600 माइनस 4,800 और ये आपका हो गया, हाँ जी 4,800 बच्चे आपको ये निकल के आ गया। तो आप जरा देखो कि टोटल शेयर इन प्रॉफिट जो इनको मिला अंडर ऑप्शन वन के अंदर में वो कितना हो गया बच्चे, तो 4,800
और प्लस 4800 यानी कि 9600 रुपीज का अमाउंट आपका निकल के आया। पहले वाले ऑप्शन में आपका शेयर कितना बच गया, 9648 रुपए की सैलरी, 4800 रुपए का प्रॉफिट, आपका 9600 रुपीज का अमाउंट। फिर आइए जरा ऑप्शन टू देख ले क्या बता रहा है। ऑप्शन टू में तो कोई टेंशन ही नहीं है जी, कहता भैया आपको सिर्फ मिलेगा शेयर इन प्रॉफिट, कोई सैलरी नहीं मिलना, कुछ नहीं मिलना। और वो कितना बता रहा जी, 1/5 आपका, चेक करो 1/5 तो था सर, हाँ जी सर 1/5 आपका है, 1/5 कहता कि प्रॉफिट का, बताओ ना प्रॉफिट कितना है सर, 57,600। तो मेरे बच्चे 57,600 रुपीज का आपका निकालो 1/5 कितना आ गया, 57,600 का 1/5 जब निकालेंगे ये आ गया 11,520 रुपए का अमाउंट आपका, 11,520, ठीक है ना। तो ऑप्शन वन में आपको 9600 मिला जो ऑप्शन टू में इतना मिला। अब ध्यान दो क्वेश्चन ने क्या बोला था, कह रहा था कि अगर ऑप्शन टू ज्यादा बनता है ऑप्शन वन से तो एक्सेस अमाउंट जो होगा, एक्सेस अमाउंट जो होगा जी विल बी बोर्न बाय जरा बताओ किसने गारंटी दिया था, बोलो किसने गारंटी दिया था, आप बोल दे क्यों नहीं, किसने गारंटी दिया था सर, हरीश ने दिया था। अच्छा फिर तीन बार क्यों, एक बार में मैंने सुन लिया बच्चे, ठीक है हरीश ने दिया था मान लिया, बताओ कितना। तो 11,520 रुपये आपका बड़ा वाला अमाउंट है जी, 9,600 छोटा वाला अमाउंट है, तो बताओ कितना आपका हो गया। अगर आपका 11,520 रुपये ये मांग रहा है और 9,600 रुपये के ऊपर का अमाउंट चेक करें, ये आ गया 1920 रुपये। मेरे बच्चे क्वेश्चन ने कहा था कि अगर ऑप्शन टू वन से ज़्यादा होता है तो वन से जितना भी ज़्यादा होगा वो हरीश देने को तैयार है, बोलता भैया मैं देने को तैयार हूँ, तो ठीक है लिख दिया हमने यहाँ पे, आप जल्दी से कॉपी कर लो, क्वेश्चन तो खत्म हो चुका है, जल्दी से कॉपी कर लो, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। देखो मैं क्या करूंगा, पहले आप मुझे बताओ ना यहां गारंटी किसने दिया है, बोलो जरा, गारंटी फर्म ने दिया कि पार्टनर ने दिया, सर पार्टनर ने दिया, हरीश ने दिया सर। तो फिर पता बचे फर्म जो है ना वो सतीश को कितना देगी, 9,600 रुपए का अमाउंट। फर्म ने क्या करना, फिर तो सतीश को 9,600 रुपए ही देना है, क्योंकि इसके ऊपर का जो अमाउंट होगा वो तो हरीश ने देना है जी। जब गारंटी कोई पार्टनर देता है तो छोटा वाला अमाउंट फर्म दे देगी, उसके ऊपर का जो अमाउंट होगा वो पार्टनर को देना पड़ेगा अपने अकाउंट से, कोई बड़ी बात थोड़ी सिखा रहा हूं मैं आपको। तो ये लोग फर्म ने क्या किया जी, इनको 9,600 दे दिया, जरा बताओ 57,600 में से 9,600 देने के बाद कितना बच गया, 48,000। आपने क्या किया जी, 57,000 लिख देता हूँ यहाँ पे, 600 में से इनका 9,600 देने के बाद जो अमाउंट बच गया, उस अमाउंट का जरा बताओ इनके बीच का रेशियो क्या है, हरीश और राकेश का 3:1। तो मेरे बच्चे 3/4 जगह बनाना होगा, जगह कम ना पड़ जाए। ये लो यहाँ पे मैंने क्या किया जी, ये अमाउंट दिया आपका, तो जरा बताओ ये कितना निकल के आ गया, मैं यहाँ नीचे लिख दूँ, बच्चे बुरा नहीं मानेंगे तो, आप नहीं काटना सही कर रहा हूँ, बस यहाँ थोड़ा अलग से लिख दे रहा हूँ। 57,600 में से अगर हमने इनको 9,600 दे दिया और बाकी अमाउंट को हमने क्या करना है जी, 3:1 में डिवाइड करना है, तो 3/4 इनका निकल के आ गया बच्चे कितना, जरा बताओ बोलो जरा सर, 36,000। हाँ बच्चे हरीश का हो गया 36,000 का अमाउंट आपका, अंदर ही लिखना अभी अंदर ही, क्योंकि गारंटी दिया गया है। और राकेश का कितना हो गया जी, राकेश का तो ये देखिए, राकेश जो है उसने कहा कि भैया 57,600 में इनका 9,600 देने के बाद जो बचेगा मेरा कितना हो जाएगा, 1/4 आपका, इनका हो गया 1/4, बोलो कितना निकल के आ गया सर, ये हो गया 12,000, क्योंकि राकेश ने कोई गारंटी नहीं दिया बच्चे, इसलिए वो पूरे 12,000 इनके बाहर कर दो। लेकिन एक काम करना कि आपने क्या करना, ये 1920 रुपये आपको अब हरीश के अकाउंट से निकालना होगा, लेस आपने कहा टू सतीश, हमने सतीश को 1920 रुपये दे दिया, यहाँ से माइनस करो और वो 1920 रुपये सतीश में ऐड करो जी, यहाँ पे ऐड फ्रॉम क्या नाम है, हरीश आपका ये हो गया बच्चे 1920 रुपये का अमाउंट। आपको कुछ भी रटना नहीं है, आप देखो ना कैसे जा रहे हैं,
कल को अगर एक मान लो कि आपने एक फॉर्म अपना खोला है डिग्री क्वालिफाई करने के बाद, उस केस में पार्टनरशिप फॉर्म वाला आएगा कि बताओ जी हम कैसे करें, तो ये काम करके दिखा देना कि ठीक है जी आपका 9600 फॉर्म देगी, बाकी को हमने आप दोनों में डिवाइड कर दिया, क्योंकि आपने गारंटी इनको दिया था कि आपका ऊपर का अमाउंट आप देंगे, तो हमने यहाँ से माइनस करके इसमें ऐड कर दिया। बताओ हरीश का अमाउंट बाहर कितना चला गया, हरीश का अमाउंट तो 36,000 में से 1920 रुपये हटा दो, ये आ गया बच्चे 34080, नेट अमाउंट आपको ये मिला और आपका कितना हो गया 11,520 रुपये, 11,520 रुपये जितना का मिनिमम आपको गारंटी मिला था। क्वेश्चन खत्म हो गया आपका, क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चे, आप मेरी बात समझ रहे हैं, ये काम हमने खत्म किया। आप जल्दी से कॉपी कर लो, आप जल्दी से कॉपी कर लो। बाहर में कोई है जी, कोई बाहर में है? यार ये डफ्टर कोई दूसरा दे दो ना, बहुत गंदा है, साफ ही नहीं हो रहा इसे, कोई नया डफ्टर नहीं है, ये कपड़ा दे दो मुझे आप, बहुत गंदा हो जा रहा है। ये हमने क्या किया, ये काम पूरा किया आपका, यहाँ पे लीजिए ये काम पूरा हो गया हमारा, कोई डफ्टर नया नहीं है, ये तो गीला हो जाएगा फिर। चलो जी आगे बढ़ते हैं बच्चे, देखते हैं और क्या निकल के आता है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर में। आज हमें और लेवल को आगे बढ़ाना है, आज हमें इतने लेवल की प्रैक्टिस कर लेनी है कि ताकि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए बस आपसे आपसे पीछे ना जाए, मतलब आपको छोड़ के ना जाए, मतलब आप उससे आगे ही रहे। मेरी बात समझ रहे हैं आप सर? हाँ जी ठीक है बच्चे, लो मैंने इसको मिटा दिया, पार्टनरशिप रहने को छोड़ दो सर, हटा दो ना, जब कॉन्सेप्ट हमारे अंदर चला गया फिर पार्टनरशिप नाम का भी क्या मतलब बनता है, आप वो भी हटा दो सर, वो भी हमारे अंदर जा चुका है। आप बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराओ अच्छे अच्छे, ताकि एग्जाम में हमारे अच्छे मार्क्स निकल के आ जाए। चलो ठीक है, फिर देखो एग्जाम में क्वेश्चन तो आजकल ऐसे ही निकल के आए हैं, लेकिन मेरे बच्चे मैं आपको दो क्वेश्चन ऐसे दे रहा हूँ जो थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा हाई लेवल, लेकिन आपको मजा आएगा, आपको बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनना है, दिमाग में जितने सारे टेंशन है, कोई झगड़ा है, माँ बाप ने पीटा है, कुछ भी किया, सबको दिमाग से बाहर निकालो, भूल जाओ, कोई दर्द आपके अंदर है भी, अब आपने क्या करना, बस हमने क्वेश्चन को सुनना है और मेरे साथ आपको इंटरप्रेट करना है। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 9th की बात करता हूँ, देखो क्वेश्चन कितने प्यारे प्यारे आते हैं, सॉरी 9th क्वेश्चन, ये CWA इंटर में कभी क्वेश्चन आया था, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लेकिन आप अगर ये क्वेश्चन करना चाहोगे रटते हुए तो काम नहीं बनेगा, आपको मेरी बातें बस सुननी पड़ेंगी तभी बात बनेगा, सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9th क्या बता रहा, 9th कहता कि XY वेर पार्टनर्स विथ 20,000 एज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड इक्वली, देख रहे हैं आप, XY पार्टनर्स हैं, 20,000 रुपए कैपिटल है जो इक्वली इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया, यानी कि 10,000 10,000। मैं काम करता हूं, मैं इसको शॉर्ट करूंगा, आप भी मेरे साथ शॉर्ट करो, क्लियरिटी ज्यादा आएगी यहाँ पे। आप देखो जरा यहाँ पे कहता है कि दो पार्टनर हैं जी, एक यहाँ पे कहता है एक्स, दूसरा कहता है वाई, मेरे साथ चलेंगे आप मेरे साथ, कहता कि इनका जो कैपिटल है, इनका जो कैपिटल है वो कहता कि एक्स का जो कैपिटल है वो कहता जी 10,000 है, और वाई का भी कैपिटल कहता कि 10,000 है, ये जो 20,000 का अमाउंट है कहता है इक्वली इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया है, प्रॉफिट कुछ ऐसे था जी, कहता कि सैलरी जो इनके बीच में था, सैलरी का डिविजन, वो कहता था कि एक्स को 1,000 रुपये मिलता था पर एनम, और वाई को कहता कि 500 रुपये आपको मिलता था पर एनम यहाँ पे आपका, और इसके बाद जो प्रॉफिट रेशियो था इनके बीच का, मतलब ये सैलरी देने के बाद वो 1:1 में प्रॉफिट को डिवाइड किया करते थे, ऐसा क्वेश्चन हमें कह रहा है। फिर कहता कि ड्यू टू सर्टन सर्कमस्टांसेज इट बिकेम एसेंशियल टू मेक चेंजेज इन द शेयर ऑफ एक्स एंड वाई आपका, कहता कि कुछ कुछ दिक्कतें हो गई बच्चे, और कहता कि एक्स वाई ने डिसाइड किया कि हम रेशियो को चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे, कहता कि आने वाले समय में सैलरी टू एक्स जो होगा वो 500 रुपये होगा। ओहो ये क्या, मुझे ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही है, पहले ऐसे प्रॉफिट डिवाइड होता था, लेकिन लगता कि अब कुछ बोलते कि यार ऐसे नहीं करेंगे, नया एग्रीमेंट निकालो। वो देखो नया एग्रीमेंट क्या बता रहा है, ये कहता है ये तो ओल्ड एग्रीमेंट हो गया इनके बीच में, पहले से एग्रीमेंट था जी, ओल्ड एग्रीमेंट, कुछ सर्कमस्टांसेज आए होंगे, पता ऐसे सर्कमस्टांस आने का मतलब क्या होता है, हो सकता है कि पहले यहाँ पे एक्स ज़्यादा काम कर रहा है, अब वाई ज़्यादा काम करना शुरू हो गया होगा जी, तो इसमें क्या हुआ, इन्होंने अपने बीच में एक न्यू एग्रीमेंट किया। आओ जरा पढ़ते हैं नया एग्रीमेंट क्या बता रहा है,
कहता है कि नया एग्रीमेंट में अब जो इनके बीच का जो सैलरी होगा जी ऐसे नहीं होगा, कहता भैया सैलरी जो डिवाइड किया जाएगा आपका 500 रुपये और आपका 1000 रुपये। इन्होंने एग्रीमेंट किया कि भैया सैलरी जो होगा एक्स का 500 वाई, अच्छा ठीक है, और बाकी प्रॉफिट जो होगा यानी कि प्रॉफिट रेशियो वो कहता है कि आज भी आपका 1:1 होगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन का आंसर मत सोचना, बस क्वेश्चन को पढ़ लो, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। कहता है कि अबव न्यू चेंज वाज एप्लीकेबल सब्जेक्ट टू जेड बीइंग इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1 जनवरी 1997 एज पार्टनर। ओहो, इन्होंने सिर्फ यही चेंज नहीं किया बच्चे, ये कहते हैं कि एक न्यू पार्टनर को लेकर आएंगे, जो न्यू पार्टनर यहाँ पे होगा जेड, ये नया पार्टनर एक है जी जिसका नाम जेड है, वो बिजनेस में लेकर उसको आना चाहते हैं। लेकिन ध्यान दो, जेड का कैपिटल कितना होगा, ये क्या कहता है कि विदाउट कैपिटल, मतलब इनका कोई कैपिटल नहीं होगा, विदाउट कैपिटल। आप मुझे बताओ, इसको हम पार्टनर भी बना रहे हैं और हमने कहा कि आप कैपिटल लेकर ना हो, ऐसे कब होता है? ऐसा तब होता है बच्चे जब ये जेड की इंपॉर्टेंस हमें बहुत ज़्यादा होती है, अगर ये आ जाए तो बिजनेस में काम को बढ़ा देगा, ऐसा जनरली होता है। क्वेश्चन में क्या होगा उसकी बात छोड़ो, हमने भैया कैपिटल की बात छोड़ो, आप आ जाओ हमारे साथ पार्टनर बन जाओ। और यही नहीं, कहता कि देखो जी आपका सैलरी जो होगा 1500 रुपये, हमने कहा जेड की जो सैलरी होगी, जेड की सैलरी आपका, एक काम कर ले यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं, इनको बोला गया कि आपकी जो सैलरी होगी, सैलरी वो आपका 1500 रुपये पर एनम आपका होगा, हम आपको इतना सैलरी देंगे। अच्छा और क्या बता रहा है, कहता है कि इसके साथ साथ कहता है कि आफ्टर चार्जिंग, सॉरी सैलरी 1500 एंड 1/7 शेयर इन प्रॉफिट आपका, अच्छा प्लस आपको क्या मिलेगा जी 1/7 शेयर इन प्रॉफिट, यानी कि जब प्रॉफिट डिवाइड किया जाएगा एंड में जो हम डिवाइड करते हैं तो हम आपको 1/7 शेयर इन प्रॉफिट भी देंगे, ऐसी बातें की गई है। आगे पढ़ना, आगे पढ़ना, कहता है आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, अरे एक और भी एग्रीमेंट आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का। आप देखो जो पुराना एग्रीमेंट था उस एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की बात नहीं कर रहा था बच्चे, लेकिन नए एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रहा है, कैपिटल जेड का तो है नहीं, तो फिर इंटरेस्ट किसको मिलेगा, अच्छा अच्छा एक्स वाई को, बट वो इंटरेस्ट कितना है पता नहीं, देख लेंगे बाद में, अभी नहीं बता रहा आपको। आगे पढ़ना, आगे पढ़ना, कहता कि ऑल ऑफ विच वॉज टू बी चार्ज टू एक्स विद द एक्सेप्शन ऑफ 1000 द अमाउंट ऑफ सैलरी जेड हैड फॉर्मली रिसीव्ड एज मैनेजर ऑफ द फर्म। अब क्लियरिटी आ रहा है, अब क्लियरिटी आ रहा है, हमने जेड को बोला कि देखो जी ये आपको अमाउंट मिलेगा, ये अमाउंट मिलेगा, लेकिन जेड जो है ना बच्चे ये हो गया एज पार्टनर आपका, जो जेड था वो पहले एज मैनेजर आपका जो अमाउंट लिया करता था, एज मैनेजर वो कितना लिया करता था जी, चेक करो यहाँ पे, कहता है कि वो आपका 1000 रुपये, यानी कि एज मैनेजर इनको 1000 रुपये मिला करता था बच्चे, यहाँ पे 1000 रुपये मिला करता था। कहते हैं कि जेड जो आएगा सैलरी उसको 1500 मिलना है जी, 1/7 कहता है कि शेयर इन प्रॉफिट मिलना है, कहता कि अगर ये अमाउंट 1000 रुपये से ज़्यादा होता है तो चलो बताओ ये गारंटी किसने दिया है, एक्स ने दिया बच्चे, एक्स ने, यानी कि अगर ये अमाउंट जो है कहता है कि एक्सेस ओवर 1000 टू जेड, कहता कि विल बी बोर्न बाय यहाँ पे क्या नाम है उसका, एक्स, एक्स बियर करेगा। सर क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा, अभी करूँगा बच्चे, बस शॉर्ट में लिख दो पहले यहाँ पे, और देखो क्या बता रहा है, एक्स वाई आर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आ ही गया अब यहाँ पे कि जो नया एग्रीमेंट बना है, एक तो जी सैलरी का प्रॉफिट का और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कह रहा है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, और वो कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 5% आपका, क्योंकि एक्स का कैपिटल है इनको भी मिलेगा, वाई का है इनको भी मिलेगा, इनका तो कैपिटल है ही नहीं जी, तो इंटरेस्ट क्या मिलना, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा यहाँ पे आपका। ठीक है, बोलता है आपका, आगे पढ़ो, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट और पार्टनर सैलरी 2740 रुपये, यानी क्वेश्चन ने कहा जी कि फॉर्म का जो नेट प्रॉफिट आपका है बच्चे, नेट प्रॉफिट जो फॉर्म ने कमाया है वो कहता है यहाँ पे 2740 रुपये का अमाउंट है, 2740 रुपये,
ये क्वेश्चन हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। आइए मैं आप क्वेश्चन समझाता हूँ, मैंने सारी बातें यहाँ पे लिख दी है, मैं आपको समझा दूँ यहाँ पे क्या हुआ एक कहानी के रूप में। देखो कहानी क्या है मैं आपको बताऊँ, इस क्वेश्चन ये कहाँ से क्रिएट हुआ मैं उसकी हिस्ट्री बताता हूँ। पहले फॉर्म में दो ही पार्टनर थे, एक्स एंड वाई। मेहनत ज़्यादा एक्स किया करता था, इसलिए एक सैलरी लिया करता था 1000 रुपये, वाई 500 रुपये लिया करता था जी। बाद में क्या देखा गया कि मेहनत अब वाई का ज़्यादा हो गया, एक्स का बहुत कम हो गया। तो इन्होंने बोला कि यार ये रेशियो ठीक नहीं है, ये जो ओल्ड एग्रीमेंट है इसको हटाओ, हम इस एग्रीमेंट पे काम नहीं करेंगे। नया एग्रीमेंट क्या बनाया गया, नया एग्रीमेंट में बोला गया कि अब देखो सैलरी जो पहले आप 1000 लिया करते थे आपको 500 मिलेगा, और आप जो 500 लिया करते थे आपको 1000 मिलेगा। स्वाभाविक सी बात है, हमें दिख रहा है कि शायद वाई ज़्यादा काम कर रहा है, तभी बात उठी होगी। यही नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया जाएगा जी 5% आपका। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात नहीं थी बच्चे, लेकिन इंटरेस्ट भी 5% दिया जाएगा और रेशियो आपका इक्वली होगा। तो इस पे क्या हुआ, एक्स और वाई दोनों सहमति किए बनाए। फिर बात उठा कि यही नहीं, हम एक नया पार्टनर जेड को लेकर आएंगे, जेड को जो कैपिटल लेकर नहीं आएगा। और हुआ ये जेड पता क्या है बच्चे, पहले से इस फर्म में एज मैनेजर काम किया करता था। जेड जिसको आज हम पार्टनर बना रहे हैं, पहले हमारा एक मैनेजर था बच्चे, और एज मैनेजर वो 1000 रुपये लिया करता था पर एनम आपका यहाँ पे। तो फर्म ने कहा कि देखो जी अब हम इसको पार्टनर बनाते हैं, और एक्स ने कहा कि देखो जी इनको इनके साथ जो एग्रीमेंट हो रहा है कि इनको 1500 रुपये सैलरी मिलेगा प्लस 1/7 शेयर इन प्रॉफिट मिलेगा। एक्स ने कहा कि देखो जो भी अमाउंट इनको मिल रहा है, अगर ये अमाउंट 1000 रुपये से ज़्यादा होता है तो उस केस में कोई बात नहीं जी, ऊपर का अमाउंट भी मैं देने को तैयार हूँ। मतलब मेरे बच्चे गारंटी यहाँ पे फिर से पार्टनर ने दिया है, एक्स ने यहाँ पे दिया हुआ, बोलता बताओ आप इसका क्या करोगे। ठीक है ना, तो आप एक काम करो, इसकी कॉपी कर लो और फिर मैं आपको अब इसका सोल्यूशन शुरू कराता हूँ। आप कॉपी कर लो। सर कर लिया हमने सोल्यूशन, कर लिया सर कॉपी। ठीक है, मैं काम करता हूँ, मुझे पता नहीं क्यों मन कर रहा है कि मैं इसको इस क्वेश्चन को दो पार्ट में आपको कराऊं। सर दो पार्ट का मतलब है बच्चे आप देखो क्वेश्चन नंबर नाइन उसके नीचे में कहीं पे क्वेश्चन नंबर 9A लिख दो आप, ये अलग से क्रिएट कर रहा हूँ। लिखो क्वेश्चन नंबर 9A आपका, और लिखो जरा क्वेश्चन नंबर 9A कहीं भी एक लाइन जगह बना लो और लिखो जरा आप क्वेश्चन लिख रहे हो जी, क्वेश्चन आपका 9A बच्चे 9A। एक ये क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगा, पहले ये क्वेश्चन करा रहा हूं। लिखो जरा एज्यूम इन क्वेश्चन 9 नेट प्रॉफिट ऑफ फर्म। देखो प्रॉफिट 2740 दिया था ना यहाँ पे, मान लो प्रॉफिट यहाँ पे क्या है जी रुपीज यहाँ पे 10,000 है बच्चे, 10,000 का प्रॉफिट आपका है। एक्चुअली इस क्वेश्चन को जब तक मैं इस पे ना कराऊं इस पे आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ी परेशानी क्रिएट होगी। इसलिए क्या क्या मैंने एक नया क्वेश्चन बना दिया, आप भी लिखिए अपने बुकलेट के अंदर में, 9 के बाद लिख दो 9A, और 9A में लिखो कि एज्यूम इन क्वेश्चन नंबर 9 में ही एज्यूम करो कि प्रॉफिट आपने 10,000 रुपये कमाए हैं, 10,000 का प्रॉफिट कमाया है। फिर क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, देखो क्या निकल के आएगा। ये लीजिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी, पहले 9A को सॉल्व कर रहा हूँ फिर 9 को बनाऊंगा। आप मेरे साथ बनाइए प्रॉफिट एंड लॉस आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, आपको रियली में बहुत मजा आएगा अगर आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया तो। ये देखिए आप, हमने क्या किया जी आपके लिए बनाया प्रॉफिट लॉस यहाँ पे एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हमने बनाया आपके लिए जी एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये रहा हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन में कहता है कि यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है वो 2740 के जगह पे हमने कितना बोल दिया 10,000, ये लीजिए हमने 10,000 का प्रॉफिट कह दिया। मान लो फर्म ने 10,000 का प्रॉफिट कमाया है, अब हम यहाँ पे इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। देखो पुराने एग्रीमेंट की इंपॉर्टेंस खत्म हो चुकी है, अब वो रेलिवेंट नहीं रहा बच्चे, अब इसके मुताबिक हमें क्या करना है प्रॉफिट को डिवाइड करना है। एग्रीमेंट क्या है कि यहाँ पे पहले आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दीजिए, आपने क्या किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे दिया है आपने, चेक करेंगे जरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना। वो कहता है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है
एक तो एक्स को दिया जा रहा है एक्सेज कैपिटल अकाउंट एंड वाईज कैपिटल अकाउंट। अब देख रहे हो ना, जेड तो यहां पे है ही नहीं। जब जेड होता तब तो उनको देने की बात करता मैं यहां पे, तो जेड का कैपिटल नहीं है। छोड़ो ना, आप एक काम करो, एक्स और वाई को आप इंटरेस्ट दो। 5% कहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कैपिटल कहता है कि 10,000 है। तो मेरे बच्चे 500 रुपए का इंटरेस्ट इनका बन गया, 500 रुपए का इंटरेस्ट यहां बन गया, तो अमाउंट आपका कितना हो गया जी, 1,000 रुपए का। तो 1,000 आपने क्या क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पे आपने दिया है पार्टनर्स को आपका। बात समझ में आ रही है सर? हाँ जी। चलो मैं आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं। अब देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद अगला एग्रीमेंट है कि पार्टनर्स को आपने क्या करना है, सैलरी यहां पे देना है बच्चे, सैलरी देना है। आप देखो, सैलरी आप क्या करेंगे, एक्सेज कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट, आपने यहां पे वाइज कैपिटल अकाउंट और आपने जेड कैपिटल अकाउंट, तीनों को तो सैलरी मिलना है, हम तीनों को देंगे। एक्स की सैलरी अब 500 रुपए हो गई, आप इनको 500 रुपए दे दो। वाई की जो सैलरी है वो 1,000 रुपए हो गई, इनको आप 1,000 रुपए दे दो। और जेड की जो सैलरी है बच्चे, वो देखो अब कितना हो गया, 1,500 रुपए एज पार्टनर उसको 1,500 रुपए मिलेंगे। ये 1,500 रुपए हमने दे दिया, तो टोटल अमाउंट कम्स टू यहाँ पे 3,000 रुपए अमाउंट आपका हो गया। सर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बच्चे, नाइन्थ क्वेश्चन को ही सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा सा सिंपल करते हुए, फिर मैं नाइन्थ पे आऊंगा, ज्यादा अच्छा क्लियर आपको आएगा कॉन्सेप्ट। तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया 1,000 रुपए, सैलरी भी हमने क्या किया, तीनों में डिवाइड किया जी, अमाउंट कितना हो गया, 3,000 का अमाउंट आपका। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, फिर क्या बता रहा है, कहता है कि देखो जी अब हमें प्रॉफिट में शेयर देना है। तो आप एक काम करें, यहां लिखिए टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ट्रांसफर टू, और एक काम करना, यहां पे तीन पार्टनर्स हैं, तीनों को हमें ध्यान देना है जी, तीनों को देना है। एक तो आपका हो गया एक्सेज कैपिटल अकाउंट, एक हो गया वाइज कैपिटल अकाउंट, और एक हो गया आपको यहां पे जेड कैपिटल अकाउंट, जेड कैपिटल अकाउंट, तीनों को देना है। देखो जेड को 1/7 मिलना है जी प्रॉफिट में शेयर आपका। एक बार चेक करो जेड का शेयर कितना बनता है, पहले हमें जेड का झगड़ा खत्म करें जी, क्योंकि हमें पता है कि 1,000 के ऊपर का अमाउंट कौन देगा, एक्स देगा। एक बार चेक करते हैं जेड का कितना मिलता है। ये देखिए आप, 10,000 का प्रॉफिट था, उसमें से 1,000 रुपये आप इंटरेस्ट का हटा दो, 3,000 रुपये आप यहाँ पे सैलरी का हटा दो, तो प्रॉफिट मेरे बच्चे 6,000 रुपये बचे हुए हैं। इस 6,000 रुपये में जरा बताओ इनका 1/7 कितना बनता है आपका, 6,000 रुपये का 6,000 का आपने क्या किया जी, 1/7 जब निकाला तो इनका कितना बन गया सर, डिवाइड बाई 7 जब निकाला, ये हो गया 857 आपका, ये हो गया 857 का अमाउंट आपका, इतना बना आपका, इतना बना बच्चे, ठीक है ना, बोलो ना, ठीक है ना बच्चे सर? हाँ। तो ये हमने क्या किया जी, जेड को यहाँ पर दे दिया। अब मेरी बात सुनना, अब मेरी बात सुनना, मुझे बताओ यहाँ पे क्या बात की गई जेड के साथ जी। एक्स ने कहा था कि देखो जेड जो एज मैनेजर पहले 1,000 रुपये लिया करता था, अगर हम इसको पार्टनर बनाते हैं और 1,000 से जो भी ज्यादा अमाउंट होगा, जो भी ज्यादा अमाउंट होगा, वो पैसा कौन देने को तैयार हो गया आपका, एक्स देने को तैयार हो गया। एक्स कहता कि मैं देने को तैयार हूं। तो मुझे बताओ ना यहाँ पे जेड को कितना मिल गया सर, 1,500 रुपये ये मिल गए और प्लस 857 ये मिल गया मेरे बच्चे, इनको 2,357 टोटल अमाउंट मिल गया। आप समझ रहे हैं, इनको 2,357 का टोटल अमाउंट मिल गया आपका। ओहो, ये क्या कहा गया था कि 1,000 से ऊपर का जो भी अमाउंट इनको मिलेगा वो अमाउंट क्या होगा जी, यहां पे एक्स कंट्रीब्यूट करेगा। तो आइए अब मैं आपको यहां पे दिखाता हूं वर्किंग क्या निकल के आएगा। मैं इसको हटा दूं जी, मैं इसको हटा दूं बच्चे सर। हाँ, अब तो ये बातें आपके दिमाग में बैठ गई है, रखने की यहाँ पे जरूरत है नहीं। तो मैं काम करता हूँ, मैं काम करता हूँ यहाँ पे, अब आपको समझाता हूँ। ये देखो क्या निकल के आया, लिखिए मेरे साथ यहाँ पे वर्किंग नोट्स नंबर 1। जरा देखो, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट पेबल टू, टोटल अमाउंट पेबल टू जेड, जेड को टोटल अमाउंट कितना पे किया गया जी एज पार्टनर, जरा चेक करो यहां पे एज पार्टनर। तो मेरे बच्चे 1,500 रुपए एक तो उनका सैलरी हो गया, सैलरी के नाम पे जेड को जो मिला है
वो 1500 रुपए का अमाउंट मिला है, और प्लस उसका शेयर जो मिला, शेयर इन प्रॉफिट, इन प्रॉफिट वो अमाउंट कितना मिल गया जी आपका, 857। तो जरा बताओ टोटल अमाउंट इनको कितना मिल गया सर, ये हो गया 2357 का अमाउंट, ये हो गया बच्चे इनको 2357 का अमाउंट मिल गया। लेकिन एक्स ने कहा था कि अगर 1000 से ऊपर जो भी मिलेगा जेड को वो खुद देने को तैयार है। तो जरा बताओ एक्सेस ओवर 1000 टू बी बोर्न बाय क्या नाम था जी एक्स, तो बताओ कितना हो जाएगा, 2357 जो टोटल मिला, 1000 रुपये माइनस कर दो, तो मेरे बच्चे यहाँ पे आपका 1357 का अमाउंट जो हो गया, ये कहता है एक्स की मैं देने को तैयार हूँ। अब बताओ मैं क्या करूँ यहाँ पे, बोलो मैं क्या करूँ सर, हमें एक्स से लेना होगा ना बच्चे, क्योंकि फॉर्म तो सिर्फ 1000 देने को तैयार थी। तो एक काम करो एक्स से ले लो। सर कैसे लो जरा बताओगे, देखो एक्स से लेने का दो तरीका है, या तो एक्स के अकाउंट से माइनस कर दो, या फिर क्या करो बच्चे उसको इस साइड लिख दो, इस साइड आने का मतलब कि एक्स से पैसा आगे प्रॉफिट में ऐड हो गया। तो मैं अभी इसका अमाउंट जानता नहीं, इसलिए क्या करूंगा यहां माइनस करने के बजाय उस अमाउंट को मैं क्या करूंगा यहां लिखूंगा, लिखिए आप मेरे साथ यहां पे बाय एक्सेज कैपिटल अकाउंट, रिपीट कर रहा हूं, एक्स बिजनेस को इतना अमाउंट दे रहा बच्चे, तो बिजनेस क्या करेगा एक्स के कैपिटल से निकाल के अपने प्रॉफिट में बढ़ा देगा, 1357 का अमाउंट आपका ये बढ़ जाएगा आपका। मेरी बात समझ आ रही है, दोबारा समझिए, हमने कहा कि देखो जी जो अमाउंट आपने जेड को दे दिया, ये अमाउंट फर्म ने बोला ही नहीं है, फर्म तो कहते कि सब हम उनको 1000 रुपये देंगे, तो फर्म ने अगर 1000 ही देना है जबकि आपने इतना दे दिया, तो हम क्या करेंगे जी, जितना दे दिया उसमें से 1000 रुपये छोड़ दो, बाकी एक्स के कैपिटल से निकाल लो और फॉर्म को दे दो जी। तो क्योंकि फॉर्म को गारंटी दिया गया था जी कि 1000 रुपये के ऊपर का अमाउंट एक्स देगा, एक्स ने क्या किया कॉन्ट्रीब्यूट कर दिया। अब चेक करो आपके पास वो बैलेंस प्रॉफिट कितना बच गया, जिस प्रॉफिट को आपने एक्स और वाई में डिवाइड करना है, देखो कैसे निकाला जाएगा, लिखिए यहाँ पे वर्किंग नोट्स नंबर 2, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग एक्स एंड वाई वो कितना रह गया जी आपका, तो आप कहना कि एक तो 10,000 ये अमाउंट, प्लस कहना कि 1357 जो प्रॉफिट अभी एक्स के अकाउंट से निकाल के फॉर्म के ऐड किया गया जी, इसमें से 1000 एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, इसमें से 3000 हम सैलरी भी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं जी, और इसमें से 857 मैं इनको दे चुका हूं, तो बताओ कितना बच गया अमाउंट आपका, ये बच गया बच्चों, ये बच गया आपका 6500, 6500 रुपये। आप एक काम करो ये 6500 रुपये एक सन वाई में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो 6500 अगर एक्स वाई में डिवाइड करेंगे तो इक्वली है 1/2 आपका, बोले कितना आ गया आपका, तो 6500 डिवाइड बाई 2 आपका ये आ गया बच्चे 3250, और यहाँ भी आ गया 3250, झगड़े खत्म हो गए, सारी बातें कंप्लीट। तो देखो हमने कुछ नहीं किया, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे गारंटी में आपका सैलरी का अमाउंट भी कंसीडर करना था जी, तो हमने क्या किया पहले प्रॉपर तरीके से एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया, देखा एक्स को कितना मिला, 1000 रुपये का ऊपर का अमाउंट जेड ने एक्स ने देना था, तो इन दोनों को ऐड करके जो अमाउंट बना उसमें 1000 रुपये छोड़ के बाकी हमने क्या किया एक्स के कैपिटल से निकाल लिया, टोटल प्रॉफिट देखा आप कितना बच गया जो हुआ जी एक्स एंड वाई में हमने क्या किया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जेड का उससे कोई मतलब नहीं क्योंकि उनको तो जितना मिलना था मिल चुका जी, काम पूरा हो गया। हो गया बच्चे सर, हाँ जी आप इसकी कॉपी कर लो, ये 9A था बच्चे, मैंने एक अलग से क्वेश्चन बनाया, अब इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 9 कराऊंगा जहां ज्यादा क्लियरिटी आपकी आएगी, इसके बिना वहां थोड़े परेशान आप हो सकते थे, बट अब परेशानी नहीं होगी, मैं इसको मिटा दूं,
बोलो ना मिटा दो सर। हाँ जी सर मिटा दो। तो ये लो हमने क्या किया, इसको मिटा दिया। लो मैंने इसको मिटा दिया। अब मैं उस क्वेश्चन को करता हूँ जी जो क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा था बच्चे, यानी क्वेश्चन नंबर 9। एक बार जल्दी से आप उस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लो, थोड़ी क्लियरिटी आ जाएगी। एक बार उस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लो, थोड़ी क्लियरिटी आ जाएगी, आपको मजा आ जाएगा। अभी जो क्वेश्चन किया बिल्कुल वही क्वेश्चन है, बस प्रॉफिट का अमाउंट जहां हमने 10,000 कहा था वहां वो 2740 रुपए का प्रॉफिट है जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। आओ जरा यहाँ पे जी, आओ जरा मेरे साथ यहाँ पे। अब कर रहे हैं बच्चे सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9th। 9th का हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सॉल्यूशन कर रहे हैं। आओ ध्यान देते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है, आओ ध्यान देते हैं क्वेश्चन क्या बता रहा है आपको। ध्यान दीजिए 9th में कहता है, 9th क्वेश्चन आपका ये रहा आपका जी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये रहा आपका प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप इस प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जल्दी से शुरू करो बनाना उसी तरीके से जैसे किया था। बस फर्क क्या हुआ कि इस बार नेट प्रॉफिट जो अमाउंट आपका है वो 2740 रुपए, 2740 रुपए, 2740, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन के मुताबिक हमें यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है जी। आइए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां कंट्रीब्यूट करें। पार्टनर का नाम आपका एक्स है और वाई है, तो एक्स इज कैपिटल अकाउंट और वाई इज कैपिटल अकाउंट। जेड का कोई कैपिटल है ही नहीं, होता तो मैं उसको देता जी। तो 500 रुपये आपका हो गया बच्चों, और 500 रुपये आपका हो गया अमाउंट, हो गया आपका यहाँ पे 1000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या क्या 1000 दे दिया, सोचो मत, मतलब रटो मत, समझो जरा यहाँ पे। फिर देखो हमें क्या करना जी, सैलरी भी देना था, टू सैलरी, एक्स को, वाई को, जेड को। एक्स की सैलरी नए एग्रीमेंट में 500 रुपये हो चुकी है, वाई की सैलरी नए एग्रीमेंट में यहाँ पे 1000 रुपये की हो चुकी है, और जेड जो अभी अभी आया है हम लोगों ने कहा है कि भैया आपकी सैलरी 1500 रुपये होगी। टोटल सैलरी कितना हो गया, 3000 का अमाउंट आपका, 3000 का अमाउंट। ओहो ये क्या, ये क्या 2740 रुपये का प्रॉफिट है, लेकिन जो इंटरेस्ट और सैलरी इनको मिला हुआ अमाउंट कितना हो गया, 4000 रुपये का अमाउंट। ये तो लॉस हो गया बच्चे, पिछले वाले क्वेश्चन में प्रॉफिट था यहाँ डिवाइड किया था, इस पर तो लॉस आ गया। कोई बात नहीं, प्रॉफिट हुआ तो यहाँ दिया, लॉस हुआ तो यहाँ चला जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन पहले मुझे जेड का हिसाब करना है, जेड का पता मैं क्या करूँगा। मैंने कहा यहाँ पे कि एक काम करो, यहाँ पे बाय जरा चेक करो, बाय आपका जेड कैपिटल अकाउंट, जेड कैपिटल अकाउंट आखिर उसको लॉस कितना बियर करना पड़ेगा जी, लॉस उसको कितना बियर करना पड़ेगा एक बार चेक करते हैं। तो देखो आपका जो प्रॉफिट था वो 2740 रुपये था, और 4000 का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया जी, तो 4000 में 2740 आपने हटाया तो मेरे बच्चे 1260 का लॉस दिख रहा है। क्या पूरे 1260 का लॉस जेड बियर करेगा, नहीं सर, ये आया था 1/7 के लिए। जैसे प्रॉफिट आपने 1/7 दिया था, लॉस भी आपको 1/7 बियर करना पड़ेगा। ये लॉस हो गया बच्चे इनका 180 रुपये आपका, 180 का लॉस आपका हो गया जो जेड को बियर करना पड़ा। चलो आप पहले यहाँ तक लिखो, आप कुछ भी नहीं कर रहा, बहुत सिंपल दिमाग से। प्रॉफिट होता तो देखो जेड को पहले हमने प्रॉफिट यहाँ दिया था जी, लॉस हुआ तो लॉस हमने दे दिया। अब मेरी बात सुनो, अब मैं वो गारंटी वाली बात करूँगा। आप आइए जरा वर्किंग नोट्स में, वर्किंग नोट्स में नंबर 1 जरा बताओ, टोटल प्रॉफिट गिवन टू जेड कितना हो गया। तो देखो इसके लिए हमने क्या देखा जी, सैलरी के नाम पे इनको 1500 रुपये मिले हैं, 1500 रुपये मिले हैं, लेकिन इनको एक लॉस बियर करना पड़ा जी, शेयर इन लॉस। जब पार्टनरशिप में आओगे तो आप प्रॉफिट लॉस दोनों में शेयर करते हो, 180 रुपये का इनको लॉस बियर करना पड़ा, तो 1320 रुपये बच्चे इनका नेट बना। नेट कितना बना यहाँ पे, 1320 रुपये का अमाउंट। बात समझ आ रही है सर? हाँ जी।
जेड को 1320 रुपए ही तो मिला, और एग्रीमेंट था कि 1000 से ऊपर का जो अमाउंट होगा, 1000 से ऊपर का जो अमाउंट होगा वो कौन बियर करेगा? सर 1000 से ऊपर का जो अमाउंट होगा वो तो एक्स ने बियर करना था। तो जरा चेक करो, एक्सेस ओवर 1000 बॉर्न बाय एक्स कितना हो जाएगा? तो टोटल आपको 1320 मिला। अगर मैं 1000 फर्म के नाम पे ट्रांसफर करूं तो 320 रुपए का जो लॉस है बच्चे वो एक्स को बियर करना पड़ेगा, एक्स को। यही हुआ ना सर? हाँ जी। आप बताओ मैं क्या करूं? जैसे पहले क्या था जी, एक्स का भी हिसाब लगाया नहीं, आप उससे ले लो यहां पे। तो आप कह देना बाई एक्सेज कैपिटल अकाउंट इन्होंने क्या किया जी, 320 रुपए का लॉस यहां पे कंपनसेट किया। इसका मतलब होता है कि एक्स के अकाउंट से निकाल कर फर्म ने अपने प्रॉफिट में 320 रुपए ऐड कर लिया होगा, क्योंकि फर्म ने कहा था कि भैया हम तो जेड को सिर्फ 1000 रुपए देंगे, 1000 के ऊपर का जो भी बनेगा वो एक्स ने बियर करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया जी, आपका एक्स के अकाउंट से निकाल के प्रॉफिट हमने यहाँ पे ऐड कर दिया आपका 320 रुपए। अब चेक करो अब कितना बच गया जी, अब तो जो भी बच गया वो एक्स वाई में डिवाइड कर देना है जी। अब जो भी बच गया, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में जितना बच गया था एक्स वाई में डिस्ट्रीब्यूट किया था, उसी तरीके से अब यहाँ जो बच जाएगा वो एक्स वाई में डिवाइड किया जाएगा। तो वर्किंग नोट्स नंबर 2 लिखिए यहाँ पे, रिमेनिंग लॉस टू बी बोर्न बाय एक्स एंड वाई कितना हो जाएगा जी? ये देखो 2740 रुपये प्लस 180 प्लस 320, इसमें से 1000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 3000 रुपये आपने सैलरी यानी कि 4000 का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। तो चलो बताओ लॉस कितना बच गया सर, 2740 रुपये प्लस 180 प्लस 320 रुपये, इसमें से 4000 माइनस किया तो सर अभी भी 760 रुपये का लॉस दिख रहा बच्चे, 760 का लॉस। बताओ ये लॉस कौन बियर करेगा? दोनों पार्टनर एक्स और वाई, जेड ने बियर नहीं करना, जेड को जो बियर करना था कर लिया। एक्स का ये कौन सा शेयर है? ये तो गारंटी जो दिया था जेड के बिहाफ में उसके चलते हुआ बच्चे। और अब जो ये बच गया 760 रुपए का लॉस, ये तो अब दोनों को बियर करना पड़ेगा। पार्टनरशिप फॉर्म में कौन बच गया? एक्स एंड वाई, उनका रेशियो क्या है? 1:1 आपका। तो 760 का 1/2 यानी कि 380 रुपए आपको बियर करना पड़ेगा, 760 का 1/2 यानी कि 380 रुपए आपको बियर करना पड़ेगा। तो आप एक काम करो, आपने यहाँ क्या करना है जी, टू आपने बोला यहाँ पे, सॉरी लॉस है ना यहाँ चला जाएगा जी, फिर से आपने बोला बाय एक्सेज कैपिटल अकाउंट और यहाँ पे बाय वाइज कैपिटल अकाउंट, आइए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 780 रुपये का आपका 1/2 ये कितना हो गया 360 रुपये, और 780 रुपये का 1/2 ये कितना हो गया 360 रुपये। पिछले वाले क्वेश्चन में प्रॉफिट हुआ था तो प्रॉफिट यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, इस बार लॉस हुआ तो लॉस यहाँ चला गया, काम खत्म हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट। बताओ इस क्वेश्चन में क्या दम है? बोलो जरा क्या दम है इस क्वेश्चन में, बोलो इसमें क्या दम है? सर कुछ भी तो नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन को कंप्लीट करें, आप ये क्वेश्चन कंप्लीट करें, आप ये क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए, मैं आगे फिर बढ़ता हूँ। आज तो हमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और हमें बस क्वेश्चन का मजा लेना है। आज कोई परेशानी थोड़ी है हमारे बीच में आपका, सिर्फ क्वेश्चन का हम क्या करेंगे जी, मजा लेंगे यहाँ पे आपका, क्वेश्चन का मजा लेंगे बच्चे। चलो मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको मैं हटाता हूँ, ये लीजिए आप यहाँ पे, मैं इसको हटाता हूँ, ये काम हमारा हो गया। ये लीजिए, ये हमने हटा दिया बच्चे। अब मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ, थोड़ा सा मतलब मजेदार क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन के पैटर्न को रटने की कोशिश करेंगे तो परेशान हो जाएंगे, पैटर्न वाले क्वेश्चन तो हम पहले ही कर चुके हैं जी, क्या क्या हो सकता है। ये तो कुछ ट्रिकी क्वेश्चन कर रहे हैं जहाँ पे हमें दिमाग थोड़ा लगाना पड़ता है। आइए चेक करते हैं अगला क्वेश्चन क्या बताता है। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चे,
आप यहां मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं, क्लियरिटी थोड़ी और ज्यादा आएगी, बस समझना मेरे साथ क्वेश्चन को। मैं ऐसे क्वेश्चन को पहले इंटरप्रेट करता हूं दिमाग में, सुनिए। मेहरा एंड रत्नम आर इन पार्टनरशिप। देखो दो पार्टनर, मैं शॉर्ट कर रहा हूं, आप भी मेरे साथ लिख सकते हो, क्लियरिटी आएगा आपको दिमाग में। एक है मेहरा और एक है रत्नम, ये दो पार्टनर हैं। कहता कि इनका जो कैपिटल है बिजनेस में वो यहां 28,000 है और यहां कहता है कि 14,000 आपका है कैपिटल यहां का। इनका जो प्रॉफिट रेशियो है जी, प्रॉफिट रेशियो वो कहता है कि 2:1 का आपका है, 2:1 का। इनका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देने की बात कर रहा है, वो कहता है कि आपका 5% है, ठीक है 5% आपका ये इंटरेस्ट की बात करता है। सैलरी भी देना है जी, हमने एग्रीमेंट है इनके बीच में। सैलरी कहता है कि रत्नम को, मेहरा नहीं बचे, रत्नम को 2,800 रुपये की सैलरी, यहाँ पे 2,800 की सैलरी आर अवेलेबल, ठीक है। आगे पढ़ो, ड्यू टू इल हेल्थ, ओहो बीमार हो गया बच्चे मेहरा, सीज टू टेक एक्टिव पार्ट इन बिजनेस। बदमाश ये बीमार हो गया, और बदमाश क्यों, बेचारा, बेचारा बोलेंगे इसको, बीमार हो गया और बीमार होने के बाद अब ये काम ठीक से नहीं कर पा रहा, एक्टिवली बिजनेस में काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए कुछ नए एग्रीमेंट किए गए बच्चे। एग्रीमेंट क्या बता रहा है जरा पढ़ो, उनका जो मैनेजर है जोहर, हम उसको पार्टनर ग्रुप में एडमिट करेंगे। अच्छा एक नया पार्टनर आ रहा जी जोहर, ये भी क्वेश्चन कुछ वैसा ही जा रहा जैसे पीछे किया था, ये पहले कहता है कि मैनेजर था, अब हम इसको पार्टनर बना रहे हैं, लेकिन इस पर हमने कहा कि भैया 5,000 रुपये आपको कैपिटल के भी लाने पड़ेंगे। अच्छा अच्छा पिछली बार जो था वो बिना कैपिटल के आया था, इस बार कहता कि कैपिटल भी लाना पड़ेगा 5,000 रुपये आपका। ही बींग एंटाइटल टू सैलरी और 5,250 रुपये, अच्छा उसको सैलरी भी मिलेगा 5,250 रुपये, सैलरी भी मिलेगा 5,250 रुपये, लेकिन ध्यान से पढ़ना कि एक्सेस ओवर 2,800 सैलरी रिसीव बाय हिम एज मैनेजर टू बी बोर्न बाय मेहरा पर्सनली। ओहो ये कह रहा है कि आपका यहाँ पे जो सैलरी मिलेगा, कहता है कि इसमें से 2,800 रुपये हटा दो और फिर जो बचेगा जी ये माइनस 2,800, ये कहता है कि बोर्न बाय कौन होगा जी यहाँ पे मेहरा। पिछले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क समझो आप, पिछले वाले क्वेश्चन में सैलरी प्लस प्रॉफिट दोनों मिला के देखा जाएगा अमाउंट कितना बनता है, उनमें से 1,000 रुपये छोड़ के बाकी एक्स ने बियर किया था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। कहते भैया मेहरा पहले क्या था, सॉरी जोहर पहले क्या था, मैनेजर था जी, 2,800 रुपये की सैलरी वो लिया करता था, तो 2,800 रुपये के ऊपर का जो अमाउंट होगा, 2,800 से ऊपर का जो अमाउंट होगा वो अमाउंट क्या होगा जी, कौन बियर करेगा यहाँ पे, मेहरा। मतलब सिर्फ सैलरी की बात कर रहा है कि जोहर पहले जब मैनेजर था तो सैलरी वो 2,800 रुपये लिया करता था, 2,800 से ऊपर का जो अमाउंट होगा वो कोई बात नहीं जी, मैं कॉन्ट्रीब्यूट करने को तैयार हूँ, मैं देने को तैयार हूँ, ध्यान रखना। और ये स्वाभाविक सी बात है कि आपका जब आप दोनों को इंटरेस्ट मिलेगा तो कैपिटल पे आपको भी इंटरेस्ट मिलेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है तो सबको मिलता है बच्चे, सभी पार्टनर को, ठीक है। आगे पढ़ना पॉइंट नंबर 2, रत्नम की सैलरी भी 3,500 रुपये हो जाएगी। ओहो रत्नम की सैलरी अब 2,800 नहीं बच्चे, इनकी सैलरी कितनी हो जाएगी 3,500 रुपये, इस बात से भी मेहरा को कोई दिक्कत नहीं है। मतलब नया एग्रीमेंट में सैलरी पहले जो अब 2,800 लिया करते थे 3,500 रुपये लेंगे आप सैलरी यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अच्छा आगे बढ़ना, फिर क्या बता रहा है यहाँ पे, जोहर शैल बी एंटाइटल टू 1/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जोहर का शेयर कितना होगा बच्चे, ये कितने के लिए आ रहा है, 1/10 के लिए आपको आ रहा है, 1/10 के लिए। कहता है कि आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड सेल, ये तो हमेशा होता है, हमेशा प्रॉफिट रेशियो एंड में निकाला जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहता है कि 5% ही होगा, ये देखो पहले भी 5 था अभी भी 5% ही रहेगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट कहता है कि 22,400 रुपये है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड सेल, मतलब जो आपने प्रॉफिट कमाया है फर्म ने, नेट प्रॉफिट जो फर्म ने कमाया है जी, वो कहता है कि 22,400 रुपये का अमाउंट आपका है, 22,400 का अमाउंट, यही क्वेश्चन है ना बच्चे।
सर हाँ, ये क्वेश्चन आपका सीए इंटर में प्लस बीकॉम मुंबई में क्वेश्चन आया हुआ जी, बहुत प्यारा क्वेश्चन था जब एग्जाम में आया था, बहुत सारे बच्चों ने गलतियां की थी। आप प्लीज रटना नहीं, ये एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है बच्चे, एक पैटर्न। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो ऐसा ही आएगा। जो पैटर्न से हटके क्वेश्चन है वो तो मैं पहले आपको करा ही चुका हूँ, जो एक जैसे क्वेश्चन बनते हैं कि ये गारंटी दिया वो काम खत्म हो जाएगा, लेकिन ये पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है बच्चे। यहाँ पे क्या होगा जी, अगर क्वेश्चन आया तो ऐसा ही आएगा। तो ध्यान रखना, 9th क्वेश्चन और 8th क्वेश्चन दोनों एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चन होते हैं, आपको ऐसा समझना है मैं क्या बता रहा हूँ। लीजिए, मैं यहाँ बना रहा हूँ आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप इस क्वेश्चन में, जब तक मैं पूरा क्वेश्चन खत्म ना कर लूँ तब तक आप इफ और को लेकर ना आना, बस आप क्वेश्चन को मेरे साथ समझना, आपके दिमाग में कोई इफ और ना है, बस क्वेश्चन समझो, आपको अच्छा लगेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो ऐसा ही आएगा, इसमें किसी तरीके का चेंज वो नहीं कर सकता। देखिए क्वेश्चन क्या है, बताओ फर्म ने प्रॉफिट कितना कमाया है बच्चों, बोलिए फर्म ने कितना कमाया है। सर फर्म के द्वारा अर्न किया हुआ प्रॉफिट आपका 22,400 रुपये, ये लिखा आपने 22,400 रुपये। चलो एग्रीमेंट के मुताबिक, जहां जो एग्रीमेंट है वो दो जी, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो हमें देना है ना बच्चे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों को देना है। फर्म ने कहा है कि हम देंगे आपको, तो मेहरा को भी मिलना है जी, मेहरा कैपिटल अकाउंट। दूसरा कौन है यहां पे, रत्नम कैपिटल अकाउंट, और तीसरा यहां पे थर्ड पार्टनर जोहर, तीनों को इंटरेस्ट मिलना है जोहर कैपिटल अकाउंट। बताइए कितना बता रहा जी रेट, 5%। 28,000 का 5% कितना हो जाएगा, 1400 रुपये। 14,000 का 5% कितना हो जाएगा, 700 रुपये। 5,000 का 5% कितना हो जाएगा, 250 रुपये। बोले कितना हो गया, 2350, 2350। 2350, दिस इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट गिवन टू आपका मेहरा रत्नमन जोहर आपका, ठीक है। अब जरा आ जाओ यहां पे, हमें पार्टनर्स को सैलरी देना है, सैलरी। देखो मेहरा में तो सैलरी कोई है ही नहीं, उसको तो हटा दो। रत्नम को सैलरी हमें देना है जी, रत्नम को सैलरी हमें देना है, रत्नम कैपिटल अकाउंट में जाके ऐड होगा। और एक सैलरी हमें देना है यहां पे जोहर को, ये हमें यहां पे सैलरी देना है। एक बात बताओ, रत्नम की सैलरी अब कितनी हो गई है, 3500 रुपये। तो रत्नम को तो 3500 रुपये ही सैलरी दिया जाएगा बिना किसी डिस्प्यूट के। अगर रत्नम को 3500 रुपये की सैलरी दी जाए तो ना तो इनको, ना ही इनको, ना ही इनको किसी को परेशानी नहीं है, मानते इस बात को। सर हाँ जी, तो आपने 3500 रुपये दे दिया। अब जोहर की सैलरी देनी है जी, जरा बताओ कितना हो गया, 5,250 रुपये। तो मैंने क्या किया, 5,250 रुपये सैलरी जोहर को दे दिया। लेकिन मुझे पता है, जैसे ही मैंने 5,250 रुपये लिखा, आप मुझसे झगड़ा करने पर उतारू हो गए। आप बोलते हो कि सर ये क्या कर दिया आपने, 2800 रुपये की जो सैलरी है वही तो फर्म दे रही है, फर्म जो है 2800 रुपये की सैलरी दे रही है, 2800 के ऊपर का सैलरी कौन देगा, मेहरा देगा बच्चे। यहाँ पे आप यही कहना चाहते हो ना, सर हाँ चलो मैं आपकी बात मान लिया, वही करूंगा, लेकिन कोई बात नहीं, लिख दो ना यहाँ 5,250 रुपये। आप जो बोल रहे हो वो भी ठीक है, वैसे भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ऐसे भी सोल्व हो जाएगा, दोनों ठीक है। फिलहाल मैंने क्या किया, जरा समझो आगे मैं क्या बोल रहा हूँ। हमने जोहर को जो एग्रीमेंट हुआ है 5,250 टोटल सैलरी का, वो हमने दे दिया, चलो हमने दे दिया, जरा बताओ ये कितना हो गया आपका, तो 8,750 रुपये। अब एक काम करो, उसके बाद आपका यहां बोलना है टू बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर, टू बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर टू। आपने तीनों का नाम लिखना जी यहां पे, पहला नाम कौन है बच्चे, मेहरा कैपिटल अकाउंट, दूसरा है यहां पे रत्नम कैपिटल अकाउंट, और तीसरा यहां पे जोहर है कैपिटल अकाउंट। तो जरा बताओ रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच गया, जरा देखो यहां पे, अगर हमने 22,400 रुपये में से हमने 2,350 रुपये, 2,350 रुपये इनको दिया इंटरेस्ट, और 8,750 रुपये की सैलरी दे दिया बच्चे, तो 11,300 रुपये का अमाउंट हमारा यहाँ पे बच गया।
आपके दिमाग में जो डिस्प्यूट्स चल रहा है मैं उसको अभी साथ लेके चल रहा हूँ, बट फिलहाल कहता हूँ कि भूल जाओ डिस्प्यूट्स को, मेरे साथ चलो, जो बोल रहा हूँ आप, जो मैं बोल रहा हूँ उसको मेरे साथ चलो, बस चलो जी, ये हो गया। अब एक काम करो, हमारे पास 11,300 रुपये का प्रॉफिट बच गया है, तीन पार्टनर्स में डिवाइड करना है जी। पहले एक काम करूँ मैं, जोहर को दे दूँ, क्योंकि आप जो बोल रहे हो कि 2800 या जो, वो झगड़ा इन दोनों के बीच में, इस पर तो झगड़ा नहीं है ना बच्चे। जब हम इसको प्रॉफिट में हिस्सा देंगे तो इनको हिस्सा देते समय सैलरी इनकी 5,250 ही तो मानी जाएगी। अरे जब इनको हम हिस्सा देंगे, जोहर को जो कि एडमिट हुआ कितने के लिए आपका, 1/10 के लिए, तो जोहर को हम क्या बोलेंगे कि देखो जी इतना प्रॉफिट में इतना इंटरेस्ट हो गया, इतना सैलरी आप दोनों को मिल गया, बाकी प्रॉफिट में आपका हिस्सा बनेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, आइए जरा मेरे साथ वर्किंग नोट्स में लिखिए मेरे साथ, मुझे पता है जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा आपके झगड़े मेरे साथ खत्म हो जाएंगे। लिखिए यहाँ पे वर्किंग नोट्स नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ, मेरे साथ लिखिए, मेरे साथ लिखिए, कंप्यूटेशन ऑफ जोहर शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में जोहर का शेयर कितना निकल के आता है। तो देखो 11,300 रुपये जो अमाउंट बच गया जी, इसका वो लेगा कितना, 1/10 था आपका, यानी कि 1130 रुपये आप इनको दीजिए बिना किसी डिस्प्यूट्स के, ये 1130 रुपये लेगा ही लेगा जो हमने इसको दे दिया, ठीक है ना सर। हाँ जी चलो, ये हमने काम कर दिया बच्चे। अब मैं काम करता हूँ, 1130 रुपये इनको दे दिया, अब मैं इनका शेयर निकालता हूँ रत्नम का, रत्नम का, ये देखो क्या होगा। मैं आता हूँ वर्किंग नोट्स नंबर 2, कंप्यूटेशन ऑफ रत्नम, रत्नम शेयर इन प्रॉफिट। मैं झगड़े खत्म कर रहा हूं, आप देखो रत्नम का शेयर कितना होगा, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। जब रत्नम का शेयर निकाला जाएगा तो हम कहेंगे कि यार 22,400 रुपए का प्रॉफिट है, इसमें से 2,350 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कराया जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे रत्नम कहेगा कि जब सैलरी माइनस होगा ना मेरा शेयर निकालते समय, तो मैं सैलरी इतना माइनस नहीं करने दूंगा। वो कहेगा कि देखो जी आप 3,500 रुपए मेरी सैलरी माइनस कर दो, समझ में आता है, लेकिन 5,250 रुपए जोहर की सैलरी मैं यहां पर माइनस नहीं करने दूंगा। वो कहता कि 2,800 रुपए के ऊपर का सैलरी तो मेहरा ने बियर करना है। तो मेरे बच्चे रत्नम कहेगा कि मेरा प्रॉफिट में हिस्सा निकालते समय मैं जोहर का जो शेयर इन प्रॉफिट है वो 2,800 रुपए ही माइनस कराऊंगा, जो फॉर्म पे करने वाली है, फॉर्म का प्रॉफिट, फॉर्म ने इतना इंटरेस्ट पे किया, फर्म के द्वारा पे किया हुआ सैलरी से इतना होगा 3,500 रुपए मेरा, लेकिन आपका 5,250 नहीं, कितना जी 2,800 रुपए का अमाउंट आपका। तो बच्चे 22,400 में 2,350 रुपए हमने क्या माइनस कर दिया जी, ये आपका हो गया इंटरेस्ट ऑन आपका कैपिटल का अमाउंट। फिर हमने क्या किया, जो ये है याद रखना, इस ये जो सैलरी है जी वो तो आपका रत्नम का है, इसमें कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन वो कहता है कि भैया मैं 5,250 रुपए जोहर का शेयर सैलरी हम माइनस नहीं करने दूंगा, क्योंकि मेरे लिए तो सैलरी 2,800 ही माना जाएगा, 2,800 माना जाएगा जी। तो हमने क्या किया, 2,800 रुपए किया, जो आपने कहा था वही काम किया बच्चे। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें यहां से माइनस करना है जो जोहर का आपका प्रॉफिट में शेयर हुआ, जोहर का आपका, क्योंकि हमें प्रॉफिट जो बच गया वो इन दोनों में सिर्फ डिवाइड करना है। लेकिन पता है, आप मेरी बात सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से, 2 मिनट का काम है। जब हमने 22,400 में ये जो हमने माइनस किया ठीक रहा जी, सैलरी हमने 3,500 रुपए आपका माइनस किया ठीक है, रत्नम कहता कि मैं 5,250 रुपए यहां पे इनका सैलरी माइनस नहीं करने दूंगा, वो सिर्फ 2,800 रुपए माइनस होना चाहिए, ये भी ठीक है। तो जरा बताओ, जब मेहरा ये बात मान गया तो मुझे बताइए कि अगर मैं यहां पे जोहर का 2,800 रुपए अमाउंट लिखता, अगर मैं लिखता तो क्या जोहर शेयर इन प्रॉफिट इतना निकल के आता बच्चे, जरा बताओ। आप जो बोल लेते कि सर 2,800 रुपए लिखो यहाँ पे, क्योंकि फॉर्म ने गारंटी 2,800 रुपए का दिया है, आप बताओ अगर 2,800 रुपए यहाँ लिखा जाता तो क्या ये अमाउंट निकल के आता आपका, नहीं सर नहीं, ये निकल के नहीं आता।
तो फिर कितना मैं काम करूंगा, थोड़ा सा जगह छोड़ के वर्किंग नोट्स नंबर 3 निकालूंगा यहां पे, फिर क्लियर करूंगा जी। लिखिए मेरे साथ यहां पे, कंप्यूटेशन ऑफ जोहर शेयर इन प्रॉफिट एज्यूमिंग कंप्यूटेशन ऑफ जोहर शेयर इन प्रॉफिट एज्यूमिंग सैलरी पेबल टू हिम ₹2800। अगर मैं ₹2800 के बेसिस पे ही जोहर का शेयर निकालता तो कितना निकल के आता, देखो मैं क्या करता जी, एक तो इसका शेयर कितना बचे 1/10, कितने का निकाला जाएगा तो ₹2400 में। आप एक काम करो जी, एक तो ये माइनस करो ₹2350, फिर आप एक काम करोगे जी ₹3500 ये, और इनका कितना माना जा रहा ₹2800, ये कीजिए और जरा बताओ अब इसका 1/10 कितना आ गया, चेक करो जरा यहाँ पे 1/10। तो मेरे बच्चे 22400 माइनस 2350 माइनस 3500 माइनस 2800 और इसका 1/10 आपका आ गया 1375 आपका 1375। आप पहले इसकी कॉपी करो, फिर मैं आपको समझाता हूँ, फिर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आप पहले इसकी कॉपी कर लो, फिर मैं समझाता हूँ, फिर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आप जरा प्लीज एक बार इसको क्या करो, प्रॉपर तरीके से देख लो आप यहाँ पे, जल्दी से कॉपी करें, आप जल्दी से कॉपी करें, जल्दी से कॉपी करो यहाँ पे आप। हाँ जी, अब 5 मिनट में आप यहाँ जल्दी से कॉपी करेंगे आप यहाँ पे। हो गया कॉपी, कॉपी हो गया, कॉपी हो गया सर। हाँ जी, अब सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, रत्नम आपने क्या किया, जब यहाँ पे जोहर का ₹5250 लिखा तो रत्नम ने पॉइंट रेज किया कि यार इतना क्यों लिख रहे हो, ₹2800 ही यहाँ पे अमाउंट होना चाहिए था किसका, आपका ₹2800 किसका होना चाहिए था, जोहर का। तो हमने कहा कि देखो जी, आपने जोहर का शेयर निकालते समय आप उनका 5250 मानो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रत्नम ने कहा कि जब मेरा प्रॉफिट में शेयर निकाला जाएगा तो मैं उसका सैलरी ₹2800 ही मानूंगा। हमने कहा कि ठीक है, लेकिन मेरे बच्चे अगर ₹2800 उसकी सैलरी मानी जाएगी तो उस केस में जोहर का प्रॉफिट में हिस्सा ₹1375 बनेगा आपका। तो मेहरा कहता है कि ठीक है जी, अगर आप ₹2800 यहाँ पे सैलरी उसका मानोगे तो उसका शेयर आपको यहाँ पे ₹1375 मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम 2800 उसकी सैलरी मानते तो उसका हिस्सा कितना निकल के आता, ₹1375 आपका। रत्नम को कहा गया कि आप एक काम करो, 22400 में ये माइनस करो, ये माइनस करो और ये माइनस करो, ये अमाउंट यहाँ से निकल के आपका, फिर जो बनेगा उसका में आपका हिस्सा कितना है, कितने का एडमिट हुआ था बच्चे ये, कितना रेशियो क्या था इनका सर, 2:1 यानी कि 1/3 आपका। अब इनका 1/3 निकालो कितना निकल के आ रहा आपका, 1/3 या चेक करो कितना निकल के आ रहा जी, 22400 माइनस 2350 माइनस 3500 माइनस 2800 माइनस 1375 और मेरे बच्चे इसका 1/3 ये आ गया आपका 4125। तो एक काम करो, आपने क्या करना जी, रत्नम को 4125 का अमाउंट दे दो। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जोहर का शेयर निकालते समय इतना ही हम सैलरी मानते हुए निकालेंगे जी, रत्नम का शेयर निकालते समय सैलरी 2800 माना जाएगा, अगर सैलरी 2800 माना जाएगा तो फिर जोहर का शेयर इन प्रॉफिट इतना निकल के आता वो माना जाएगा, और फिर उसके हिसाब से आपका दिया जाएगा जी इतना। अब ₹11300 में से आप ₹1130 इनका दे दो और ₹4125 इनका, फिर जो बच गया वही अमाउंट आप ले लोगे जी, सबका देने के बाद जो बच गया वही, यानी कि सारी गारंटी कवर्ड हो गई। ये आ गया बच्चे इसमें से इन दोनों को माइनस करने के बाद, यानी कि ये बैलेंसिंग फिगर है, ये बैलेंसिंग फिगर है, ये काम पूरा कंप्लीट आपका हो गया, ये काम कंप्लीट आपका हो गया। आप इस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से देख लेंगे, ये काम आपका कंप्लीट हो गया, ये काम कंप्लीट, ये काम कंप्लीट हो गया। कॉपी कर लो बच्चे यहाँ पे, कॉपी कर लो। आज की क्लास हम यहीं पर रोकेंगे बच्चे, अगली क्लास में क्या करेंगे हम, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, कुछ और टिपिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे अगले कॉन्सेप्ट के अंदर में। तब तक आप सबको बाय बाय टाटा, नेक्स्ट टाइम मिलते बच्चे।